हेलो बेटा, वेलकम जे सी एल सी। मैसेल प्रदीप ठाकर, टीम मैथमेटिक्स सी एल सी सीकर। तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका मेजर टेस्ट का फोर्थ, आपका जो पेपर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना। जो जे मेंस के लिए आपका स्पेशली बनाया गया पेपर है, ठीक है। तो पहला सवाल देखिएगा, पहले सवाल के अंदर क्या बेटा, लेट ए बी मैट्रिक्स 3x2 का मैट्रिक्स है विथ रियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। एंड एच बच्चों ये आपके पास, देन तो बेटा एच स्क्वायर निकाल लो यहाँ पे, एच स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, ए ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स, इसका इनवर्स इंटू बेटा ए ट्रांसपोज इंटू बेटा अभी यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, एच से गुणा करो, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका इनवर्स इंटू बेटा ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से अपने पास क्या बेटा देखिएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इंटू बेटा ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, बेटा यहाँ पे ए इनवर्स और बेटा ए ट्रांसपोज का इनवर्स और इंटू बेटा ए ट्रांसपोज, तो ये बेटा आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो फिर से बेटा मैट्रिक्स क्या आ गया आपकी, एच ए मैट्रिक्स आ गया ना, तो एच स्क्वायर विल बी एच मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट नंबर ए पॉलिस, ठीक है ना, ए पॉलिस फिक्स, ठीक है, वर्टिकली ऑन प्लेन, ठीक है। एक बेटा प्लेन मान लीजिए आपका प्लेन है, ठीक है, एंड आर्ट वॉकिंग ऑन द प्लेन, ठीक है ना, ऑब्जर्व दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल। मान लीजिए बेटा ये आपको आंट यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा है, ऐसा मान लो बेटा कि अपने पास यहाँ पे कोई पोल ऐसा है, यहाँ पे आपकी कोई ए पे कोई पॉइंट पे आंट है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ओपी कोई पोल है, इसकी हाइट एच मान लो, ठीक है। तो बेटा यहाँ उसने बोला है कि ना इसका जो एंगल है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बन गया, तो ये बेटा आपका 45 डिग्री उसने बोला, ठीक है, 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला बेटा यहाँ पे ना वो चल रही बेटा, एक मीटर चलने के बाद यहाँ से बेटा वो वापस राइट टर्न मार रही है, 2 मीटर का राइट टर्न मार रही है, ठीक है ना। बेटा फिर से उसके बाद उसने देखा है कि यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बेटा ये भी क्या आपका आ रहा है, अगेन बेटा 45 पार आपका। तो आपको पता बेटा ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये बेटा एच है तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बोलो बेटा इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगा 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, तो ये भी आपका एच हो जाएगा, ठीक है। अगेन बेटा ये आपके पास 90 डिग्री का कोण बन गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये पूरी एच है तो ये हमारे पास बन जाएगी 1 - h। तो इस ट्रायंगल के अंदर अपन बोल सकते हैं कि 1 - h का स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर दैट विल बी एच स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे एच को सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास एच आएगा 5/2, सोल्व करने पे एच विल 5/2 दैट इज 2.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पर जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, लेट एक्स बी एंड ए इज अ सेट ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड फंक्शन ए मैप्स प्राइम टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू। तो बेटा टोटल यहां पे ऑन टू फंक्शंस क्या आएंगे बोलो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दे विल बी 30 factorial, पक्की बात है। और बेटा जो प्राइम नंबर्स आएंगे ना इसमें क्या, प्राइम कौन कौन से बोलो, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है, एक 23 है, एक 29 है बेटा, ठीक है, 29। तो 4, 4, 8, 2, 10, तो 10 प्राइम हो गए बेटा। तो टोटल ऐसे कौन कौन से ऑन टू फंक्शन बनेंगे जो बेटा प्राइम टू प्राइम पे मैप करने वाले हैं, दे विल बी 20 factorial इंटू बेटा 10 factorial, क्योंकि प्राइम को मैं प्राइम पे मैप करा दूंगा और बाकी सभी को नॉन प्राइम को नॉन प्राइम पे मैप करा दूंगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या आएगी बोलो बेटा, 20 factorial इंटू 10 factorial अपॉन बेटा 30 factorial, ठीक है। तो बेटा इसको मैं यहाँ लिख पाऊंगा 1/30 factorial, ऊपर वाली संख्या को नीचे लेके आऊंगा, तो 20 factorial इंटू बेटा 10 factorial, तो ये मेरे पास बन गई यहाँ पे 1/30 c 10, ठीक है। सो ऑब्वियसली तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है सवाल का। नेक्स्ट पे जाओ बेटा, फोर्थ नंबर पे जाओ। सवाल नंबर 4 हमारे पास क्या है, एबीसी आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ठीक है, ये बेटा आपके पास ऐसा है, मीन्स एबीसी किसके रूट है बेटा, x^3 + 6x + 4 = 0 के रूट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना, एबीसी आर रूट्स ऑफ दिस वन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके रूट्स है बेटा, तो अपने पास है ना इसको अपन डिटरमिनेंट को ऐसे काउंट करेंगे बेटा, तो मेरे पास डिटरमिनेंट यहाँ से आएगा, दिस डिटरमिनेंट विल बी, ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, डेल विल बी ए बी सी प्लस, ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पे बेटा आ रहा है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ रहा बेटा, ठीक है ना। आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे ना ए बी सी के रूट्स है बेटा,
ए बी सी इसके रूट्स हो गए ना, क्योंकि बेटा ए भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी सी इसके रूट्स हो गए ना। तो सम ऑफ रूट्स, सॉरी, ए बी इंटू सी विल बी माइनस का 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट विल बी 6, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो 6 माइनस का 4, तो आंसर क्या बनगा 2, तो सवाल का आंसर हमारे पास बनगा 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पा जाओ बेटा, अभी नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ में क्या बेटा, ठीक है ना, हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो बेटा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स का कहाँ पे आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एल्फा एक्स प्लस का 1। तो इसका सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, तो एफ डैश एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू 2 एक्स माइनस का 2 एल्फा दैट इज 0। तो बेटा यहाँ पे एक्स क्या बना अपने पास, एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अपने को मिनिमम वैल्यू मिलेगी बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को मैंने वहाँ पे रखा एफ एक्स के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू जी ऑफ एल्फा बोल रहा है, जी ऑफ एल्फा यहाँ से अपना क्या बनेगा बोलेगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो एल्फा स्क्वायर अपॉन दिस वन, तो एल्फा स्क्वायर जाएगा बेटा माइनस 2 एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस का बेटा 1। तो यहाँ से क्या बच्चों आपके पास 1 प्लस एल्फा स्क्वायर आपका यहाँ से एलसीएम आ गया है, और यहाँ पे एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा बार 4 माइनस का 2 एल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर बेटा ये आपको यहाँ से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या मिला, 1 प्लस एल्फा पार 4 अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये मिल गया अपने पास, ये देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एल्फा, ना कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, सब कुछ सही किया ना बेटा। हमारे पास 1 प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू 2 एक्स माइनस का 2 एल्फा विल बी 0, तो एक्स विल बी एल्फा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, अब उसको वहां पे रखा तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू एल्फा स्क्वायर, सॉरी मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया बेटा, ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास बेटा जी ऑफ एल्फा यहाँ पे ऐसा बनेगा बेटा, देखना, अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जी ऑफ एल्फा ऐसा बनेगा बेटा, जी ऑफ एल्फा ना कैंसिल होगा यहाँ पे, ये बनेगा जी ऑफ एल्फा विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ये बनेगा बेटा, ठीक है, जी ऑफ एल्फा विल बी दिस वन। अब उसने पूछा आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू की, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा, इसकी वन ही आएगी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पा बेटा 6 पे, ठीक है, एन अनकंटेस्ट बेटा एक अर्न, उसमें क्या आपके पास 9 बॉल है, जिसमें से क्या है बेटा, 2 तो आपके पास क्या है वाइट है, 3 क्या रेड है, और बेटा 4 क्या आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द अर्न, इफ दीज 2 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर देन प्रोबेबली दैट दीज 2 आर ऑफ द वाइट कलर। तो बेटा इसका बेस टर्म्स हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबली, रिक्वायर्ड प्रोबेबली क्या बनेगा बोलो बेटा, बोथ आर वाइट वाइट, बोथ आर ब्लैक ब्लैक, सॉरी ब्लू ब्लू, बोथ आर रेड रेड, ठीक है ना, और इसको मतलब किसका पूछ रहा है, बोथ आर वाइट वाइट ना, तो बेटा वाइट वाइट सारे से डिवाइड कर देंगे बस, तो वाइट वाइट क्या आपके पास 2 हैं, तो 2C2 अपॉन 9C2, है ना, 2C2 अपॉन 9 में से को 2 उठा लो, प्लस ब्लू ब्लू क्या 4 है क्या, तो 4C2 अपॉन 9C2, और 2 क्या रेड रेड बचो, तो 3C2 अपॉन 9C2, तो बेटा ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर बनेगा 1/10, ठीक है, सो यू विल गेट 1/10 विल बी एज आंसर, ठीक है, इस सवाल का आपके पास जो आंसर बन रहा है दैट विल बी 1/10। वन बाई टेन विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल आपके पास 7th वाला सवाल, ठीक है, क्या पूछा आपसे बेटा, एफ ऑफ 2
तो बेटा एफ टू आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बना जाएगा, तो एफ टू थीटा प्लस एफ ऑफ चार थीटा प्लस एफ ऑफ छह थीटा बच्चों, तो एफ टू थीटा आपके पास वन हो जाएगा, और साइन चार साइन पार चार प्लस कोस पार चार क्या हो जाएगा बेटा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एफ ओ छह क्या हो जाएगा बेटा पता है अपने को, वन माइनस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास थ्री माइनस का पांच क्या, तो पांच बेटा चार, चार से गुणा कर दिया तो साइन टू थीटा का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसका मान एक हो जाएगा, इसका मान एक हो जाएगा तो अपने पास क्या आएगा बोलो भाई, थ्री माइनस का फाइव बाई फोर दैट विल बी सात बटा चार, तो इसके मिनिमम वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या बनेगी सात बटा चार, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ आठ नंबर पे, बेटा आठवें सवाल अपने पास यहाँ पे क्या देखेगा, आपको पता है बेटा इफ उसने बोला बेटा जेड नॉट जीरो नॉन जीरो आपका, तो सिस्टम के पास क्या बोले बेटा नॉन ट्रिविअल आंसर आएंगे, नॉन ट्रिविअल आंसर्स, नॉन ट्रिविअल सॉल्यूशन, इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, इसका डेल क्या आएगा बोलो भाई, इसका डेल बच्चों जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डेल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेल जीरो कैसे करें बोलो बेटा, डेल विल बी यहाँ पे आपका हो जाएगा बारह बी सी ए चौबीस सी ए बी थर्टी सिक्स दैट शुड बी जीरो, है ना बेटा, ये आपका पक्का यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये आपका जीरो है तो इस कंडीशन को यूज करें बेटा आप यहाँ पे ना इसका एलसीएम लेकर के वैल्यू निकालेंगे तो आपका माइनस का एक बेटा अच्छा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल से याद है, कंसेप्ट आपको ढंग से याद होना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का में 36। नेक्स्ट सवाल बेटा आ जाओ, नेक्स्ट सवाल नाइन्थ नंबर बेटा, ठीक है, नाइन्थ नंबर सवाल, इसका कंसेप्ट देखिए बेटा अपने पास क्या है, द लाइन एल इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है ना, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, बेटा इस पॉइंट से पास करे तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करेगा, तो वन माइनस का टू अपॉन टू इक्वल्स टू टू माइनस वन अपॉन बी इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा थ्री, तो फोर अपॉन सी, ठीक है ना। तो बेटा मेरे पास यहाँ बन जाएगा माइनस का एक बटा दो इक्वल्स टू वन बाई बी इक्वल्स टू फोर बाई सी, है ना, इक्वल्स टू बेटा फोर बाई सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि b का यहाँ से वैल्यू बेटा क्या बन गया, b विल बी b बच्चों यहाँ से बन गया माइनस का टू, और बेटा यहाँ पे क्या अभी c बेटा बन जाएगा आपका माइनस का आठ, c क्या बन जाएगा बेटा माइनस का आठ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला बेटा अनदर लाइन k इज, है ना, पैरेलल टू l, तो बेटा दो लाइन आपको पैरेलल कब होती पता है अपने को, जब उनके है ना डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या हो सेम हो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दो बटा a बराबर b बटा दो बराबर c अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ से a का मान मेरे पास क्या था, b का मान क्या था माइनस का दो, तो टू अपॉन a बच्चों यहाँ से क्या रहा बोलो भाई, b का मान क्या माइनस एक, माइनस दो तो माइनस एक होगा, तो बच्चों a का मान अपने पास बन गया माइनस का वन, ठीक है, नहीं a का मान क्या बन गया माइनस का टू बन गया ना, माइनस टू। उसके बाद c मेरे पास क्या माइनस का आठ है, c का मान क्या माइनस का आठ है, c बाई एट मेरे पास यहाँ बन जाएगा बेटा माइनस का वन, तो c का वन बन जाएगा बेटा आठ, है ना, c का वन यहाँ से बन गया आठ, तो बस लाइन आ गई आपके पास, l1 भी आ गई l2 भी आ गई, क्योंकि अपने पास b भी है a भी है, है ना, c भी और d भी है, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है बोलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र पता है अपने को बेटा क्या होता है अभी, a वेक्टर माइनस का c वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट विद द b कैप, इसका बेटा पूरे का मोड, ठीक है ना। तो ए वेक्टर अपने पास क्या है जहाँ से ए लाइन पास कर रही है, सी वेक्टर क्या है जहाँ से ए लाइन पास कर रही है, और बेटा बी वेक्टर क्या अभी ये वेक्टर ले लो या ये वेक्टर ले लो, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अपने पास बच्चों सवाल का आंसर बन जाएगा बी, है ना, बी विल बी द आंसर, ठीक है, बी आपके पास इस वाले सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी बेटा इस सवाल का आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सवाल देखिएगा, सवाल नंबर टेन, टेंथ में सवाल अपने पास यहां पे क्या दिया है,
आपका इलिप्स बेटा, तो बेटा अपने पास एक डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा करके, ठीक है ना, ये डायग्राम बन गया अपने पास ऐसा वाला, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब बेटा उसने अपने बोला यहाँ पे कि बेटा इस डायग्राम के लिए अपने पास क्या है, ठीक है बेटा, इसके फोकस यहाँ पे है क्योंकि इसका बी बड़ा है, तो ये फोकस मान लीजिए इसका, ये लेटेस्ट एटम का एंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बेटा अपने पास ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी, ठीक है ना। एक टेंजेंट बच्चों यहाँ पे है, एक तो टेंजेंट कुछ ऐसा यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों टेंजेंट यहाँ पे क्या बनेगी बोलो, इस पॉइंट पे क्या बनेगी इसके टेंजेंट, यार टेंजेंट तुम्हारे पास बन जाएगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब एक्स वन वाई वन को बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी बी रखने पे यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास बन जाएगा एक्स अपॉन बी प्लस बी इंटू ई बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी वाई ई, वाई इंटू ई विल बी वन, ठीक है। अब बेटा इस टेंजेंट को अपन इससे कंपेयर कर लें, पहले टेंजेंट से कंपेयर कर लें यहां से, तो अपने पास यहां से बेटा वाई को जीरो किया तो एक्स का मान क्या रहा बोलो भाई, दस बटा तीन आ रहा है, तो यहां पे अपने वाई को जीरो किया तो दस बटा तीन बराबर बी, तो बेटा बी का मान यहां से अपने पास क्या बन गया, दस बटा तीन बन गया, बी का मान बन गया दस बटा तीन। और उसके बाद बेटा मैंने यहां से क्या काम कर दिया, ठीक है, वाई ई अपॉन बी आ जाएगा बेटा, वाई ई अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने एक्स को जीरो किया तो बेटा यहाँ पे, सॉरी एक्स को जीरो किया तो वाई का मान कितना आ रहा बोलो, पाँच हज़ार है, तो बेटा यहाँ से अपने पास ई अपॉन बी का मान कितना आ गया बोलो बेटा, पाँच आ जाएगा, ठीक है। ई अपॉन बी का मान आ गया पाँच, बी का मान भी आ गया, ई का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया और ई बाई बी का मान भी आ गया, तो यहाँ से बेटा बी का मान क्या बनेगा बोलो, बी का मान यहाँ से बेटा बन जाएगा तुम्हारे पास, बी का मान तो अपने पास है, ई का मान यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ई का मान यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास टू बाई थ्री बन जाएगा ना, ई का मान इन दोनों गुणा कर दो आपस में, बस टू बाई थ्री बन जाएगा, सीधी सी बात दिख रही है ना, दोनों यहाँ से गुणा कर दें अपन, ठीक है। अब ई का मान आ गया अपने पास, अब आप जानते हो बेटा कि आपके पास क्या होता है अभी, ई स्क्वायर क्या होता बेटा, वन माइनस है ना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करना बेटा ए स्क्वायर का तुम्हारे पास यहाँ मान आ गया बेटा क्या आ गया, पाँच सौ बटा इक्यासी आ गया, ठीक है, पाँच सौ बटा इक्यासी आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ज्ञात क्या करना भाई, मुझे बेटा यहाँ से ज्ञात करना है लेंथ ऑफ एल आर, तो लेंथ ऑफ एल आर बेटा यहाँ से क्या बनेगा बताओ, लेंथ ऑफ एल आर यहाँ से बन जाएगी तुम्हारे पास टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो दो गुणा ए स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे है पाँच सौ बटा इक्यासी और गुणा बच्चों बी, बी का मान यहाँ पे क्या है दस बटा तीन, तो दस गुणा तीन, ठीक है। तो बेटा इसका मान हमारे पास ये इससे कट गया, ठीक है, ये सत्ताईस से कट गया आपका और पचास उन्नीस सौ, तो सौ बटा सत्ताईस, तो बेटा इस सवाल का आंसर क्या बन गया, हंड्रेड बटा ट्वेंटी सेवन, ठीक है ना, हंड्रेड बाई ट्वेंटी सेवन विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर जाओ बेटा, नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फर्स्ट बेटा आपके पास यहाँ पे क्या, जेड वन इज अ पॉइंट ऑन जेड जेड बार इक्वल टू वन एंड जेड टू इज अनदर पॉइंट ऑन दिस वन, ठीक है। तो बेटा इसको अपन बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपका, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है जेड वन इज पॉइंट, तो बेटा सर्कल इसका रेडियस क्या है वन है और बेटा ये सर्कल बन गया आपका, ठीक है ना ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ से करें बेटा, तो ये हमारे पास बनेगी लाइन बन जाएगी आपके पास एक, इसको बेटा अपन यहाँ पे सोल्व करें तो हमारे पास ये लाइन बच्चों बन जाएगी भाई, जेड की जगह ना फोर माइनस का थ्री आइटा इन टू जेड प्लस फोर प्लस का थ्री आइटा इन टू जेड बार माइनस का फिफ्टीन इक्वल टू क्या बेटा जीरो है, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा है ना, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार को एक्स माइनस आइटा वाई रखेंगे तो मैं अपने पास एक लाइन बनेगी, वो बनेगी आठ एक्स प्लस का छः वाई माइनस का पंद्रह बराबर जीरो। तो बेटा ये लाइन अपने पास कुछ यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा बेटा, ये पास कर जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है देन बेटा जेड वन तो कहीं यहाँ मान लो और अपने पास जेड टू बेटा जेड का सेंटर से दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, तो ये दूरी हमारे पास कितनी आएगी पंद्रह बेटा दस, तो तीन बेटा दो आ जाएगी, ठीक है ना भाई। जीरो जीरो इसकी दूरी कितनी आएगी तीन बेटा दो, अब इसकी रेडियस कितना एक है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बच गई बेटा एक बेटा दो ही बच गई है ना, तो बेटा इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा एक बेटा दो आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम होता है हाइपरबोला, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम फाइंड करना बच्चों है ना, तो वही अपने पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम यहाँ पे क्या है बेटा टू बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा बेटा, तो दो गुणा बी स्क्वायर यहाँ पे क्या बी अपने पास आएगा टू साइन अल्फा, उसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा फोर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन
ए का मान क्या आएगा, टू कोस अल्फा आ जाएगा बेटा, तो टू से टू कट गया, तो यहाँ पे टू इंटू टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिखें बेटा, वन माइनस का कोस टू अल्फा अपॉन कोस अल्फा का मोड, है ना, तो जाएगा बेटा टू इंटू वन माइनस कोस टू अल्फा अपॉन टू, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पर जाओ बेटा तेरहवें पे, क्या बेटा है ना, ये बेटा लाइन किस फॉर्म में, एक्स माइनस का चार अपॉन साइन साइन बीटा बाय टू इक्वल्स टू वाई माइनस का साइन एल्फा अपॉन वन बराबर क्या बच्चों, जेड माइनस का वन अपॉन बच्चों क्या अभी कोस एल्फा, ठीक है ना, ये बेटा इस प्लेन में लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये आठ पॉइंट क्या है, चार साइन एल्फा और वन, इस प्लेन में लाई करेगा, तो आठ माइनस का साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, और वन, तो प्लस का कोस जेड सॉरी कोस बीटा इट शुड बी वन, बेटा एक तो कंडीशन तुम्हारे पास ये आ गई, ठीक है, सॉरी इक्वल टू के है ना, ये कंडीशन आ गई बेटा एक तो, ठीक है, एक कंडीशन बेटा अपने पास ये आ गई है, उसके बाद दूसरी कंडीशन बच्चों कहां से लेके आगे देखिएगा, एक बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल भी हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर इसको गुणा करके रख दीजिए, तो दो से दो कट गया, तो साइन बीटा माइनस साइन बीटा प्लस कोस बीटा इंटू उसका डीआर क्या बेटा कोस अल्फा दैट शुड बी, ठीक है, जीरो जाएगा बेटा, तो ये सो इससे कट गया आपका, ठीक है, जब ये आपका इसके जीरो बेटा हो गया, तो यहां से क्या बेटा कोस अल्फा कोस बेटा सभी के लिए पॉइंट्स के लिए जीरो होंगे, तो कोस बेटा यहां से क्या बन गया आपका जीरो बच्चों बन गया, कोस बीटा यहाँ पे क्या बन गया आपका जीरो बन गया, जब कोस बीटा आपका बेटा यहाँ से जीरो बन गया, जब कोस बीटा सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है बेटा कोस बीटा आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है ना, कोस बीटा आपका जीरो कहां पे होगा बेटा, कोस बीटा आपका जीरो है एंड साइन बीटा वन के बराबर तो है नहीं, तो बेटा कोस बीटा तुम्हारे पास यहां पे क्या जीरो है, तो बीटा साइन बीटा वन के बराबर नहीं है, तो बेटा ये बीटा आपका यहां से क्या बनेगा थ्री पाई बाय टू बन जाएगा आपका, तो साइन बीटा वहां पे क्या बन जाएगा बोलो बेटा माइनस का वन, अब माइनस वन मैं यहां रख दूंगा इसको जीरो रख दूंगा, तो मेरा के क्या बन जाएगा बोलो बेटा के बन जाएगा एट प्लस का साइन अल्फा, क्योंकि साइन बीटा वहां माइनस एक है, तो ऑप्शन नंबर टू विल बी करेक्ट, है ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ बेटा 14 नंबर, बच्चों देखिए यहाँ पे इसके अपने पास क्या है, ये एक पॉलीनोमियल इक्वेशन दे रखी है, और बेटा आपको पता ही कि हमारे पास जाएगा 1 प्लस पी एक्स का पावर 1 बटा 100 माइनस का 1 अपॉन बच्चों 100, ठीक है ना, तो इसको ओपन कर दीजिए आप, तो 1 प्लस ठीक है ना 1 अपॉन 100 गुणा पी एक्स, पी एक्स हमारे पास क्या बेटा Q1 आपका एक है, तो 1 इंटू एक्स प्लस क्यू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड अप टू सो ऑन माइनस का 1 अपॉन क्या बच्चों x है, ये से कट जाएगा, ठीक है, x का कोफिशियंट ऊपर से क्या है बेटा 1 बटा 100 है ना, तो 1 बटा 100 सवाल का क्या बन जाएगा लिमिट बन जाएगा, ठीक है, 1 बाय 100 विल बी द लिमिट ऑफ दिस वन, ठीक है, नेक्स्ट बेटा सवाल पे आ जाइएगा, क्या बेटा नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन, है ना बेटा, इन कर्व से बाउंडेड एरिया है ये वाला ग्राफ, और बेटा दूसरे वाला कौन सा बनेगा ये x इंटू एक्स माइनस वन, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा कुछ जीरो पे वन पे, वन पे दोनों ये बन जाएगा, ठीक, उसने बोला अपने को बेटा भी ये वाला एरिया बाउंड, ठीक है ना, ये वाला एरिया पूछा आपसे, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से क्या है बोला बेटा जीरो से लेके वन, अपर एरिया क्या है, अपर क्या है एक्स क्यूब है माइनस लोअर के एक्स क्यू माइनस का एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो एक्स की पार चार बटा चार माइनस एक्स पार तीन बटा तीन और प्लस एक्स स्क्वायर बेटा टू और जीरो से लेके वन, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा एक बटा चार माइनस एक बटा तीन प्लस एक बटा दो, तो बेटा एलसीएम 12 आ गया, यहाँ पे तीन माइनस का चार प्लस का छः, तो छः तीन नौ पाँच बटा 12, तो ऑप्शन बन जाएगा डी विल बी करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट पर जाओ बेटा
16वें सवाल पे I1 I2 बेटा अपने पास I2 क्या बड़ा इंडिकेशन है, तो अपन I2 को सोल्व कर लें यहाँ से, क्या 0 से लेके 1, क्या बेटा अपने पास 0 से लेके 1 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई पावर एक्स पावर 3 इंटू 2 माइनस एक्स पावर 3, ठीक है। तो बेटा इसको ढंग से देखें अपन, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स पावर 3 को बेटा एक बार टी मान रहा हूँ, तो माइनस का 3x स्क्वायर dx मेरे पास बन जाएगा बेटा dt, तो एक्स स्क्वायर dx मेरे पास बन जाएगा बेटा माइनस का dt बाई 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर dx मेरे पास बन गया बेटा माइनस 1 बाई 3, इसमें 0, इसमें 1, एक्स स्क्वायर dx बनेगा dt अपॉन बेटा e टू दी पावर एक्स क्यूब बेटा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस का t, और ये बन गया बेटा 1 प्लस का t, उसी फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा बोलो बेटा, माइनस 1 बेटा 3 0 से लेके 1 e टू दी पावर t, और बेटा e बाहर आ गया अपॉन 1 प्लस का t, इसी फॉर्म में आ गया क्या, ठीक है। तो सॉरी लिमिट इसका बेटा यहाँ पे 1 से लेके 0, तो अपन ये करें तो प्लस जाएगा, ठीक है ना, प्लस लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 आए यहाँ पे 0 आएगा, तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो बेटा अपने पास आपने देखा कि I2 मेरे पास यहाँ पे क्या रहा बोलो अभी 1 बाय 3 ई, और बेटा ये मेरे पास ये इंटीग्रेशन क्या I1 बन गया। तो उसने मैंने पूछा क्या आपने सभी I1 अपन I2 क्या, तो बेटा I1 अपन I2 यहाँ से क्या बन गया बोलो 3 ई बन जाएगा, ठीक है, इट विल बी 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे जाओ बेटा, 17 नंबर सवाल पे जाओ, 17 नंबर पे जाओ बेटा, 17 नंबर सवाल अपने पास देखिए क्या है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ है ना, तो बेटा टेन इनवर्स क्या बन गया आपके पास, ये 1 प्लस आर पार 4 माइनस आर स्क्वायर, और ऊपर क्या 2 आ रही है क्या, तो बन गया सबका साफ सुथरा टेन इनवर्स, यह बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1, सॉरी आर स्क्वायर माइनस आर, और यह बन गया आर स्क्वायर प्लस आर, तो बेटा ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, 2 आर ही बन गया आपका। तो अब समेशन क्या बन गया इसका बोलो बेटा, टेन इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टेन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। अब सिग्मा बेटा इसमें लगा, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक सारे टर्म कट जाएंगे, लास्ट पर टर्म बच जाएंगे इसे, बस लास्ट पर टर्म में क्या बचेगा टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन। अब इस पर क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिट लगाने पे ये बन जाएगा टेन इनवर्स इन्फाइनिट, और टेन इनवर्स इन्फाइनिट क्या होता है बेटा पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा 18 नंबर सवाल पे, 18वें सवाल अपने पास बेटा क्या देखिएगा, एफ एक्स ये बेटा आपके पास, तो इसको अपन ओपन कर लेंगे, तो एफ एक्स हमारे पास क्या बना देखिएगा अंडर रूट एक्स पावर 3 प्लस 2 का अंडर रूट, ठीक है ना, और ये बेटा बन गया प्लस 1, और प्लस बेटा वहाँ से क्या देखिएगा एक्स पावर 3 प्लस 1 इसका अंडर रूट बेटा, ठीक है ना, अंडर रूट माइनस का बेटा बन जाएगा 3, है ना, इसका स्क्वायर, तो बेटा मोड से बाहर क्या निकलेगा देखिएगा एक्स पावर 3 प्लस 1 आएगा, सॉरी ठीक है, एक्स पावर 3 प्लस 1 इसका अंडर रूट प्लस 1, और प्लस बेटा यहाँ पे ये चीज़ माइनस बन गया ना, सॉरी ये चीज़ अब नेगेटिव बन जाए, क्योंकि अब उसने बोला है कि बेटा 0 से लेकर 2 में आ रहा फंक्शन x का वैल्यू, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा 3 बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 है यहाँ पे, और ये बेटा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट एक्स पावर 3 प्लस 1, ये से कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बचेगा 2, तो एफ एक्स 2 आ गया ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x प्लस c कॉन्स्टेंट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा सवाल नंबर 19 नंबर सवाल बेटा, जाओ फटाफट, तो 19 नंबर सवाल को अपन देखें, तो हमारे पास क्या है y माइनस का cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या बच्चों वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस का साइन एक्स इंटू क्या बच्चों कोस एक्स है, ठीक है ना। तो अपन इसको बड़े आराम से है ना चेंज कर सकते हैं आपका, देखिए कैसे यार, वाई माइनस का कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस का सॉरी वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स माइनस
वाई स्क्वायर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। तो बड़ा एक साइड लेके आ जाओ उसको आप, तो कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस का वाई, क्या सिंपल सा, इसमें ऐसा कर लो यार, इसमें ऐसा कर दो बेटा आप कि वाई स्क्वायर से इसमें भाग लगा दो आप, वाई स्क्वायर से भाग लगाने पर उधर से आएगा वन अपॉन वाई, इधर से माइनस का वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। अब बेटा आप वन अपॉन माइनस वन अपॉन वी को, वाई को क्या मान लें, वी मान लें आप, तो यहाँ से सॉरी वाई स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, तो ये बन गया वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये पैर बच्चों ये बन गया डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी इधर से बन गया आपके पास वन अपॉन, इसको हमने क्या मान लिया, वी मान लेना इसको, तुम्हारे पास ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, गड़बड़ हो गया, इसको भाग लगा देते हैं यार, भाग लगा देते हैं इस पर, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, माइनस का वन बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, भाग लगाए तो कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें भाग लगाए तो वन अपॉन वाई स्क्वायर का भाग लगाए तो प्लस वन अपॉन वाई और बराबर, अब ठीक है, वन माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब बेटा आप क्या कर लो, वन अपॉन वाई को बेटा वी मान लो आप, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपके पास माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, बच्चों ये आपका बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब इसको पुट कर दीजिए आप, तो कोस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई क्या वी है बराबर वन माइनस का साइन एक्स गुणा कोस एक्स। अब कोस बेटा भाग लगा दो इसका, तो कोस से भाग लगाने पर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू सेक एक्स बराबर वन माइनस का साइन एक्स, क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा। अब बन गया ना बेटा ये वी में क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है ना बेटा, वी में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ बेटा बन जाएगा, सोल्व करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ बेटा आएगा वन प्लस का साइन एक्स इंटू वाई, है ना। सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा वन प्लस साइन एक्स इंटू वाई बराबर सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वाई ऑफ पाई बाय थ्री, तो बेटा वाई ऑफ पाई बाय थ्री यहाँ से आपके पास बन जाएगा वाई ऑफ बेटा पाई बाय थ्री आपके पास यहाँ से बन जाएगा sec पाई बाय थ्री, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पुट कर देंगे आप आराम से, तो sec पाई बाय थ्री बन जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई रूट थ्री अपन, ये बन जाएगा वन प्लस और रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। अब इसे भाग लगा दीजिए आप, तो तुम्हारे पास आंसर सवाल का बेटा बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया तो रूट थ्री प्लस रूट टू अपन टू रूट थ्री अपन बेटा टू एलसीएम लिया तो टू प्लस रूट थ्री, ठीक है ना। ये से कट गया, सब कुछ कट गया, इसे कट गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा सवाल का, आंसर मेरे पास बेटा सवाल का बन जाएगा यहाँ पे टू बन जाएगा, ठीक है ना। टू विल बी द आंसर, ठीक है। टू बेटा आपका सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। टू विल बी द आंसर, ठीक है। सब कुछ कैंसिल करने के बाद अपने पैर बच्चों का आंसर निकालना, ठीक है। तो बेटा आपको इस ऑब्जर्वेशन का बेटा यहाँ पे क्या भाई, लैम्डा और म्यू इसके क्या है यार, आर मीन एंड द वेरियंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यार यहाँ पे म्यू का बेटा वो अलग वेरी कर रहा, बाकी सब अलग हो सकती हैं, बट यहाँ पे छः छः एक छः ना, तो अपन एक बार देख लें यार इसका वेरियंस के बेटा वन तो नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेरियंस का फॉर्मूला लगा देंगे अपन यार, एक्स आई प्लस वन का सिग्मा, ठीक है ना, अपन बेटा ट्वेंटी, इसका होल स्क्वायर अपन ट्वेंटी माइनस का सिग्मा वन अपन ट्वेंटी, इसका बच्चों पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या सिग्मा स्क्वायर अपन ट्वेंटी, ये पाँच आ जाएगा माइनस, ये बेटा एक्स आई अपन, तो चालीस बेटा बीस चार, तो दो का स्क्वायर, तो बन गया पाँच माइनस का चार, तो वन आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से बेटा आपका वेरियंस इसका क्या बन गया बोलो, वन बन गया वेरियंस आपका, जब बेटा बेटा वन बन गया तो कौन सा आंसर मैच कर गया, बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो अपने पास क्या है, इक्वेशन पेपर है, ठीक है ना।
कैंडिडेट मल्टीपल फाइव क्वेश्चन है, वेर इच क्वेश्चन हैज फोर चॉइस, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड कंडेस्ट सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। तो मान लीजिए पांच में से बेटा क्या हो बच्चा, एक एन सही कर रहा है, पांच में से क्या बच्चा एन सही कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा उसको, एन सही करने का 3 मार्क्स, ठीक है, और पांच में से एन गलत करेगा उसके मार्क्स क्या मिलेंगे यार, उसके -1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, और वो किसके बराबर बोलो बच्चा, ये बराबर बन जाएगा तुम्हारे पास 4n-5 बन जाएगा, ठीक है ना, 4n-5 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है बेटा, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो इसके अंदर बिलोंग करने के लिए एन का मान क्या होगा बेटा, 4 3 12 3 हो जाएगा बस आपका, तो उसके 3 सही है 2 गलत हैं, तो 3 सही होने की प्रॉबिलिटी क्या बनेगी बोलो बेटा, 5c3 × 3 के सही होने, बाकी 2 के लिए क्या है, सही गलत या डोंट अटेंड, तो बेटा उसके लिए 3 ऑप्शन, तो 3 की पावर 2, तो आंसर क्या बन गया, 9 × 10 तो 90, इस सवाल का आंसर बन गया 90, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल पास क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, विचार इसके अंदर बेटा क्या आपके पास, जो इंटीजर टर्म्स है तुम्हारे पास मिलेगा 35c r 5 to the power 35 - r/2 बेटा 7 to the power r/3, तो ये बेटा 3 का मल्टीपल होगा, तो 0 3 6 9 12 up to 32 ना, सॉरी 33, उसमें से क्या बेटा आपको देखना है, ये वाला चीज क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपके पास, ये वाला चीज ऑड नंबर आएगा तभी तो ये इवन आएगा, तभी तो ये बेटा क्या बनेगा आपका, इसमें इंटीजर बनेगा, तो उसके लिए क्या आपका आएगा, आर का मान 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, ऐसे करके आपके 6 मान आएंगे बेटा, तो 6 टर्म्स इसमें क्या बन जाएंगे बोलो बेटा, इंटीजर, बाकी हर इंटीग्रल टर्म बन जाएगी, बाकी नॉन इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है बेटा, पूछा आपसे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, ठीक है ना, तो उसको सिंपलीफाई कर लो, यहां से 6 sin 4x - cos 4x को यहां से बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, cos 4x को यहां से हम लिख देंगे 2 cos² 2x + 1, ठीक है, और माइनस का 2 cos 2x - इसको लिख देंगे 2 × 4 को अंदर मर्ज कर लिया, तो उसको मैं लिख दूंगा यहां पे 1 cos 2x / 0, है ना, इसको कैंसिल कर दें, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचेगा sin 4x बराबर, बच्चों मेरे पास बचेगा यहाँ पे लास्ट फाइनली -1/2, है ना, कैंसिल होने के बाद। अब देखना है कि 0 से लेके पाई, तो 0 4x कहाँ पे होगा, 0 से लेके 4π, तो 0 से 4π के अंदर साइन का ग्राफ बना दो, ऐसा ग्राफ बनेगा, 2 रूट यहाँ पे 2 रूट यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर रूट आ जाएंगे बेटा, इस सवाल के 4 आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, क्या बेटा आपका से प्लेन मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए अल्फा बीटा, ठीक है ना बेटा, उसके बाद बोला है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्स प्लेन, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, उसको पी बोला है, तो पी हो जाएगा तुम्हारा बीटा कोमा अल्फा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा -β, αλφα, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -β, -α, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास β, αλφα, फिर तुम्हारे पास इस पूरे पेंटागन का बेटा आपको निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना, तुम्हारे पास पूरे पेंटागन का बेटा एरिया बनेगा अपने पास, ठीक है ना, 187 दे रखा है, तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास α × α + 3β, दैट इज 187, ठीक है, तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास बच्चों अल्फा जाएगा 11 और बीटा बच्चों आ जाएगा 2, ठीक है, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये आपका डायग्राम बनेगा, तो ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है, तो α + β² अल्फा का मान 11, β² के आपका 4, तो बन जाएगा 15, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बेटा हमारे पास क्या है, इसके रूट निकालें अपने को, इसके बेटा रूट निकालें अपने को, ठीक है, तो इसके रूट अपने पास निकल जाएंगे यार, अल्फा इसका यहां पे क्या आएगा, √2, क्या था -β ना, तो बेटा इसके रूट्स हमारे पास क्या गए हैं, देखो √2 ± √β² 2 - 2/1, तो यहां बन जाएगा 2 ± ठीक है ना, 2 ±
रूट टू आ जाएगा, रूट टू ठीक है, बेटा मेरे पास आ जाएगा आप यहाँ पे रूट टू वाई बेटा अपॉन टू बेटा, तो यहाँ बनेगा मेरे पास ये वन प्लस माइनस आइटा अपॉन रूट टू, है ना। तो ये बन गया मेरे पास में ई टू दी पावर आइटा पाई बाई फोर, एक तो ये बन गया और एक क्या बन गया ई टू दी पावर माइनस आइटा पाई फोर। उसके बाद पूछा अपने को पावर 50 क्या, तो ए पावर एल्फा पावर 50 यहाँ से क्या है बेटा ए टू दी पावर आइटा 50 पाई बाई फोर, तो ये बन गया आपके पास 25 पाई बाई टू, तो इसका मान बन जाएगा जीरो, पाई बाई टू की फॉर्म में आ रहा है, पाई बाई टू की फॉर्म में आ रहा है, तो बेटा यहाँ बन जाएगा आप, और यहाँ पे क्या है बेटा ए टू दी पावर माइनस 25 पाई आई बाई टू, है ना। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे बेटा सम क्या बन जाएगा तुम्हारा जीरो, ठीक है। तो इसका बेटा यहाँ वैल्यू बन जाएगा जीरो, ठीक है ना, बस रूट निकालने अपने को। नेक्स्ट सवाल छठवां, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू दिस वन। तो बेटा अपने पास यहाँ पे क्या करना है, ये सर्कल बन जाएगा तुम्हारे पास, इसका सेंटर का 3.4 पे और 3.4 इसके रेडियस का बेटा 4 है, तो 4 पे तो मतलब ये बेटा ऐसे पास करेगा तुम्हारे पास, ऐसा पास करेगा ऐसे करके ऐसे पास कर जाएगा सर्कल, ठीक है ना। उसके पूछा मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू मोड जेड, तो मोड जेड बेटा मैक्सिमम वैल्यू किसके साथ आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहाँ से आएगी बेटा, तो पहले इसकी दूरी निकालो, ये मेरे पास कितनी आएगी 5 और रेडियस क्या 4, तो 5 + 4 तो मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 9, तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा 9। नेक्स्ट पे जाओ, सवाल नंबर 7वां, ठीक है। 7 सवाल अपने पास यहाँ पे क्या है, थोड़ा अपने पास यहाँ पे सीधी सी बात है, कोस एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लो, 0 से लेके पाई बाय 4 पाई बाय 2 डी एक्स अपन बेटा कोस की, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस रूट टेन एक्स की पावर 4, तो इससे एक्स स्क्वायर एक्स अपन बेटा 1 प्लस का टेन एक्स का रूट का पावर 4, ये 0 से लेके पाई बाय 2। अब टेन एक्स को टी मान लें बेटा आ जाएगा आंसर आपका, टेन एक्स को टी मानते आपका आंसर जाएगा लेमडा यहाँ पे 0 से लेके लिमिट पाई बाय 2 इन्फाइनेट, तो डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी का पावर 4, तो बेटा लेमडा कहाँ से बन जाएगा 1/3, तो 6 लेमडा आपका कहाँ से बन जाएगा 6, सो इस सवाल का आंसर बन जाएगा 6। नेक्स्ट आठवां सवाल बेटा आपने वैसे यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो बेटा एफ ऑफ एफ एक्स यहाँ पे क्या है बोलो 8 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 21, तो बेटा 8 इंटू एफ एक्स का मान यहाँ पे क्या पी एक्स प्लस क्यू प्लस 21, तो बेटा 8 पी एक्स प्लस 8 क्यू प्लस 21। अब बेटा फिर से इसको एफ एक्स में डालेंगे ना अपन, तो अपने पास कंपेयर करने पे इसको कंपेयर कर लेंगे, तो P का मान आएगा 2 और Q का मान बेटा आएगा 3, ठीक है ना। तो अपने से पूछा P प्लस Q, तो P प्लस Q बोल भी 5। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो बेटा पहले इसको आप डेरिवेटिव कर लें, एफ डी एक्स यहाँ से अपने पास क्या आएगा बोलो बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और माइनस का 2 sin x। अब देखना पड़ेगा बेटा ये इसका सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल लो, वो क्या आएगा बोला बेटा माइनस का d बाई 4 आएगा, ठीक है ना। माइनस का d बाई 4 यहाँ से मेरे पास क्या आएगा देखिएगा, माइनस का d बाई 4 मेरे पास बेटा यहाँ पे आएगा 44 अपॉन 6 आएगा बेटा, 44 अपॉन 6 आएगा। तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि ये हमेशा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब ये माइनस 1 से प्लस 1 में, तो इवन इफ दिस इज 1, तो बेटा तभी क्या है एफ डेसक्स हमेशा तुम्हारे पास क्या बोला बेटा हमेशा इंक्रीज करेगा, और माइनस इनफाइनाइट पीस का वैल्यू क्या आएगा बेटा हमेशा क्या करेगा बोलो इंक्रीज करेगा बेटा। तो जीरो पीस का मान क्या रहा है बोलो, जीरो पीस का मान 2 आ रहा है, तो जब इंक्रीज करा जीरो पीस का मान 2 है तो 2 पाई पे और इंक्रीज करेगा, तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, तो आंसर इसका क्या आएगा जीरो आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ सवाल नंबर 10 पे, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली अपने को याद ही होना चाहिए यार, है ना, डबल डेरिवेटिव का इनवर्स वाले का डबल डेरिवेटिव पे मान क्या होता है, ठीक है ना। तो आपके पास जी डबल एस एक्स यहाँ से क्या आएगा बोलो, जी डबल एस एक्स का फॉर्मूला बेटा सीधा हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस एफ डबल एस एक्स अपॉन एफ डेस एक्स का पावर 3। तो बेटा जी डबल एस कहाँ पे निकालना तुम्हारे को, 2 पे निकालना, तो 2 कब मिल रहा बोलो 1 रखने पे, तो माइनस का एफ डबल एस 1 अपॉन एफ डेस 1 की पावर 3,
ठीक है, सब रख दो बस यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स यहाँ से कितना बनेगा बोलो, 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स बेटा यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, 6x, ठीक है। तो सब कुछ रख दो यहाँ पे, तो माइनस का एफ डैश वन, तो 3 अपॉन एफ डैश वन, एफ डैश वन यहाँ से कितना बनेगा, ये तो बनेगा 6, कितना बनेगा बेटा 6 बन जाएगा, और एफ डैश वन 3, तो 3 का पावर 3, तो बन जाएगा माइनस का 6/27, उसने 27 से उसको गुणा करा रखा है, तो 27 × −6/27 का मोड, तो ये कैंसिल आउट, तो माइनस मोड 6। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या बन गया बच्चों, 6 बन गया, ठीक है ना। इस वाले सवाल का आंसर क्या बन गया, 6, ठीक है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस इज वाज द एनालिसिस, ठीक है, एंड आई होप, ठीक है ना, आप और अच्छा बेस्ट करें, ठीक है, पेपर्स में अपनी कमियों को छांटें, उनको दूर करें, एंड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। थैंक यू, जय सीएलसी। माय सर रिंकेश कुमार गुप्ता। तो बेटा अपन आज डिस्कस करते हैं DCM मेजर टेस्ट सीरीज 5 जून 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर है। इसमें टोटल 9+9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन पैसेज है, उसमें टोटल 3 पैसेज है 3x3 के, ईच पैसेज में 3 क्वेश्चन है, और उसके बाद रिमेनिंग 9 क्वेश्चन क्या है आपके इंटीजर टाइप के। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का पैसेज फर्स्ट, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैसेज है, इसको समझो पहले। पैसेज में क्या क्या बने आपको ध्यान दो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट पी 3,4 टू दी इलिप्स ऑफ दिस पार्ट, आपको पॉइंट 3,4 से इस इलिप्स पे क्या ड्रॉ करनी है बोलो, टेंजेंट, टच दी इलिप्स एट पॉइंट ए एंड बी, और ये जो टेंजेंट है वो बेटा इलिप्स को पॉइंट ए और बी पे क्या करती है बोलो, टच करती है। देन वन बाई वन, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, तो जिन पॉइंट पे जो टच करेंगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ ए और बी क्या हो सकते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या ध्यान दो, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कंप्लीट को। सेकेंड पार्ट में बोला गया है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज, जो ट्राइंगल बनेगा आपका पी ए बी उसका बताना है ऑर्थो सेंटर। और बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस बताना है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड द लाइन ए बी आर इक्वल, एक पॉइंट की पॉइंट पी से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो एक बात सुनो, किसी भी पॉइंट की किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो, इसका मतलब उस पॉइंट का लोकस हमें क्या होगा बोलो, एक पैराबोला होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो चलो उसको अपन इसमें ट्राई करने की वो करते कोशिश। देखो पहली बात तो ये अपन को पता है कि अगर किसी पॉइंट का लोकस अगर पैराबोला है, तो पैराबोला के केस में अगर इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, तो देन सेकंड डिग्री टर्म इज बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर अपन वाई ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन में जो 3 टर्म्स हैं, ये देखो 3x - y का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें ये क्या 3x - 3y का होल स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता इसका, क्योंकि सेकंड टर्म डज नॉट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैंने ये ऑप्शन पकड़ा तो हाँ इसमें भी सी है, ये क्या x - y का होल स्क्वायर, तो इससे भी बात नहीं बन सकती। और अगर इसकी बात करोगे तो इसमें कितना है x + 3y का होल स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। बाकी प्रॉपर मेथड है वो देखते हैं और उसको अच्छे से अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना अपन को ध्यान दें, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों सिमेट्री से ही है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलिप्स है जिसकी क्वेश्चन है x² + 9+y² = 1, और पॉइंट लेना है 3,4। तो देखो कैसे किया गया, इक्वेशन गिवन है आपको x² + 9+y² = 1, और पॉइंट गिवन है P 3,4, तो इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ करनी टेंजेंट। तो देखो इसको डायग्रामेटिकली करते हैं, मेजर एक्सिस ये होगी माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 6 है, मतलब दिस इज 3 और ये 2, तो ये बन गया अपना लिस्ट, ये पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है 0,2। अब देखो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो पॉइंट पी है ना बेटा, इस पॉइंट पी का x.3 अल्टीमेटली जो पॉइंट पी है वो ऐसे होगा, ये लेट पॉइंट पी है 3,4 और हाइट इसकी 4 है, ये पॉइंट 0,2 है, तो
फाइनली जब आप इससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट तो आपकी दिस होगी, दिस इज एक्स इक्वल टू थ्री। चलो एक टेंजेंट तो वो स्पीडली मिल चुकी है। सेकंड टेंजेंट में थीम क्या है, जब आप इस पॉइंट से इधर ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट मीट करेगा, इधर तो मीट कर ही नहीं सकता ना, तो वो तो ऐसे कर सकता, टेंजेंट ऐसे बनती। तो एक पॉइंट होगा ये, दिस इज लैट पॉइंट ए और दिस इज लैट पॉइंट बी। तो उसने ये पूछा कि पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल मेथड क्या था, प्रॉपर मेथड बाद में देखना, पहले शॉर्टकट देखो आप। जो क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन थे अपन को चारों, उन ऑप्शन में एक पॉइंट तो 3,0 है, तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक फर्स्ट और एक फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में एक पॉइंट तो था 3,0, और आप खुद बताओ जो सेकंड पॉइंट है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो केवल एक ही पॉइंट है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, अपन उसको देख नहीं सकते क्योंकि ये इरेज हो जाएगा आपका। तो प्रॉपर मेथड क्या है, आप एक काम करो, आप एक टेंजेंट की इक्वेशन लेट करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो y को 4 पुट कर दो और इसको 3, तो आ गया 3m plus c, और c का फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फाइनली आ गया 4 माइनस 3m इक्वल टू रूट ऑफ a कितना है बोलो 3, तो 9m स्क्वायर आ गए और ये आ जाएगा बेटा 4। इसकी कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आ गया 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस के 24 होगा 2ab इक्वल टू आ गया 9m स्क्वायर प्लस 4, 9m स्क्वायर से दिस पार्ट कैंसिल, तो फाइनली बेटा इससे आ गया 24m इक्वल टू 12, देन वी विल गेट m इक्वल टू हाफ। मतलब जो टेंजेंट है आपकी PA, इसका स्लोप होगा 1/2, ये पॉजिटिव स्लोप है, सिंपल सा फंडा, स्लोप आ गया। इतना आने के बाद जब m की वैल्यू को, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी अपनी, c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चलो ए एम बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देन वी विल गेट c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 9, एम स्क्वायर इज 4 और दिस इज 1/, बी स्क्वायर इज 4, तो कितना आ गया, ये आ गया c स्क्वायर इक्वल टू 25/, तो अल्टीमेटली c कितना अचीव होगा बोलो 5/2, प्लस लेना है क्योंकि ये इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, सिंपल सा फंडा। तो अपने पास देखो, तो स्लोप तो कितना आ गया 1/2, इधर लिख देते हैं साइड में, m आ गया 1/2 और c भी आ गया बोलो 1/2, तो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स, मतलब एक्स वाई टू प्लस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे टेंजेंट की इक्वेशन अचीव होगी x माइनस 2y, सॉरी सीधा 5/2 इक्वल टू 0, ये मिली टेंजेंट की इक्वेशन। अब और ये लिखना मस्ट है क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। इतना आने के बाद अब इसको रिमूव कर देते हैं इसमें से। टेंजेंट की क्वेश्चन आने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बी आ गया, पॉइंट ए लाने का बेटर ऑप्शन है। आप एक काम करो, इससे एक्स की वैल्यू पुट कर दो इस एलिप्स की क्वेश्चन में, तो आपको वाई फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पुट करोगे 2y-5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इधर आ गया और ये स्क्वायर करने पर आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 25-20y प्लस ये आ गया 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो फाइनली इसको देखो सॉल्व करके देखते कितना मिलेगा, ये आ गया 16y स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर दिस इज 25y स्क्वायर, उसके बाद 4 को करोगे इससे तो माइनस के आ गया 80y, यस सर, प्लस 25 को जब आप 4 से करोगे तो कितना होगा बोलो, 25 इंटू 4 इज 100 में से 36 कम करोगे तो क्या आ गया 64 इक्वल टू 0। इसको केयरफुली देखो बेटा, ये फॉर्मूला बन चुका है, आप सिंपल सी बात है ना, y में क्वाड्रेटिक है तो आपको लग रहा होगा y की दो वैल्यू, बट y की एक ही वैल्यू अचीव होगी दिस पार्ट, क्योंकि y की दूसरी वैल्यू तो 0 है, तो वो तो वैसे ही नहीं दिखेगी इससे, तो होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये आ गया 5/-8 का होल स्क्वायर, तो इससे y आ गया 8/5। y की वैल्यू को आप जब टेंजेंट की क्वेश्चन में रिप्लेस करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, जितना मेरे को आइडिया शायद वो माइनस के 11/5 आती है, तो एक आंसर तो आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ये पॉइंट ए आ गया माइनस के 11/5, 8/5। इतना करने के बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो ट्राइंगल है आपका पीएबी, इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस बताओ। तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं पीएबी। उसके बाद देखो अब अपन को सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। तो डायग्राम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो उसको एक बार रफली ड्रॉ कर देते। ध्यान दो कुछ क्या था, ये एक एलिप्स था अपना ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट था अपना पी, पी पॉइंट था अपने पास 3.4। इससे टेंजेंट रोकी तो ये पॉइंट आपका ए लेट किया अपन ने और ये पॉइंट लेट किया अपन ने बी, दिस इज 3। तो इसने पूछा कि बताओ इस पी ए बी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करोगे, आप दो पॉइंट से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो पॉइंट ए से जब आप इस लाइन पे पी ए बी पे क्या करोगे परपेंडिकुलर, तो वो सीधा मीट करेगा क्योंकि लाइन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सिंपल। और उसके बाद एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं इससे परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये इसका होगा ऑर्थो सेंटर। तो थोड़ा केयरफुली सुनो, जब पॉइंट ए आपने लिखा माइनस के 9/8, 8/5, y कितना आया था 8, क्योंकि मेरा y में इंटरेस्ट है, x में इंटरेस्ट है नहीं। तो थोड़ा केयरफुली देखो ना, ये पॉइंट ए से जो लाइन पास होगी, दिस इज पी एम, दिस इज लेट पी एन, तो ये लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ए एम लाइन है इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। अल्टीमेटली इस पॉइंट एच का जो ऑर्थो सेंटर है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8/5। तो अपन एक्स लेट कर लेते अल्फा कोमा 8/5। तो पहली बात तो सुनो, इसका थर्ड ऑप्शन ही आ गया ना। आप खुद सोचो, आपने जब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट किया बी, तो उसमें 8/5 आ रहा वाई कोऑर्डिनेट। तो भाई पॉइंट ए से जब आप क्या ड्रॉ करोगे पी बी पे परपेंडिकुलर, तो वो सीधा मीट करेगा ना, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो देन पॉइंट सॉरी ए एम पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। तो 8/5 आ गया वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन। तो देखो टाइम बची है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, आप विदाउट कैलकुलेशन करके ही क्वेश्चन कर सकते हो माइंड से, ठीक है। बट प्रॉपर मेथड क्या है ये लिखना ही पड़ेगा इतना। अभी पॉइंट एच आ गया तो कुछ ना करें, अल्फा की वैल्यू के लिए एक बार तो लिखना बी एच लाइन का स्लोप और एक बार ए बी का स्लोप। क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1, सिंपल सा फंडा। ये दोनों पॉइंट पता है बी और एच, तो इसका स्लोप मिलेगा। ए बी का स्लोप अपना कितना आया था 1/2, इस टेंजेंट का स्लोप क्या था 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो बेटा अल्फा मिलेगा 11/5। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो बहुत सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो उसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि एक पॉइंट का लोकस बताना है जिस पॉइंट की पॉइंट पी से डिस्टेंस और उस लाइन ए बी से डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो एक काम करो, इसमें आपको ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ध्यान दो, डायग्राम बना दो चाहो तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं डायग्राम की। ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कितना है 3.0 और ये पॉइंट कितना था माइनस के 9/8, 8/5। और पॉइंट बी अपन को याद ही है 3.4। तो एक पॉइंट है एच कोमा के, उस पॉइंट को क्यू नेम लेट करो, पॉइंट क्यू एच कोमा के का लोकस बताना है जिसकी क्यू की पी से डिस्टेंस इक्वल टू ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट क्यू की क्या बतानी है, ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, ए बी लाइन की लिखना पहले इक्वेशन और उस पॉइंट क्यू की इससे निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको पी क्यू के इक्वल कर देना, और स्क्वायरिंग करने के बाद जब सोल्व करोगे तो बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन करनी है वो आप इजी वे में कर सकते हो, बाकी तो और कुछ करना भी नहीं, ठीक है। बाकी एक ऑप्शन है बट वो छोड़ो, वो थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से किया गया, तो एक सिंपल सा पैसेज था ये। उसके बाद देखो पैसेज नंबर 2, इसमें भी 3 क्वेश्चंस है और ये पैसेज आपका है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का पैसेज बहुत अच्छा पैसेज है। देखो क्या करना, पढ़ो, ए फेयर डाइस इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए 6 इज ऑब्टेंड। एक फेयर डाइस को आपको रोल करना है, टॉस करना है, कब तक, जब तक उस पर 6 अपियर ना हो जाए। जैसे लेट आपने एक डाइस को 3 times रोल करना है, 3 times कब तक रोल करना है, जब तक अपियरिंग डिजिट 6। पढ़ो क्वेश्चन को, ए फेयर डाइस इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए 6 इज ऑब्टेंड। जैसे 6 आ गया स्टॉप लगा देना है, मतलब फाइनली क्या है, डाइस को कितनी बार भी आप टॉस करो
लास्ट टाइम सिक्स आना चाहिए और उससे पहले कभी भी सिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सिक्स आ गया तो फिर आप टॉस क्यों करोगे बाद में, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड, कैपिटल एक्स का मीनिंग है कि उस डाइस को कितनी बार आपको टॉस करना है, ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गिवन है पैसेज में। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट मेंशन किया गया है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू थ्री, इसका मीनिंग है पी एक्स इक्वल टू थ्री। तो देखो पी एक्स इक्वल टू थ्री का मीनिंग समझो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना इसका मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत सिंपल है आंसर। तो पी एक्स इक्वल टू थ्री का मीनिंग क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन डाइस इज थ्रोन थ्री टाइम्स एंड अपियरिंग सिक्स। तो एक बार बताओ डाइस को थ्री बार तो टॉस करना है बट सिक्स केवल फाइनल पोजिशन पर आना चाहिए, थर्ड पोजिशन पे क्या आना चाहिए, उससे प्रीवियस जो टू पोजिशन है सिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उन पे सिक्स आ गया तो आप तीसरी बार क्यों डाइस को थ्रो करोगे ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ए फेयर डाइस इज थ्रो रिपीटेडली अंटिल ए सिक्स इज ऑब्टेंड, जब तक सिक्स ना आ जाए जब तक उसको क्या करना है अपन को टॉस करना है। तो क्या करना है, डाइस को तीन बार थ्रो करना है, थर्ड टाइम में आपका सिक्स आना चाहिए। तो क्या करोगे, फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया डज नॉट अपियर डिजिट सिक्स, तो डिजिट सिक्स अपियर नहीं होने की प्रॉपर्टी क्या होगी, फाइव बाई सिक्स, सिक्स के अलावा और कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम अपियर होने की प्रॉपर्टी फाइव बाई सिक्स, सेकेंड टाइम भी क्या होगा डज नॉट अपियर डिजिट सिक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी फाइव बाई सिक्स, और थर्ड टाइम तो आपका सिक्स आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सिक्स ना आ जाता जब तक आप डाइस को क्या करोगे थ्रो, तो थर्ड टाइम तो सिक्स को लाना मस्ट है, अदरवाइज आप एक बार और टॉस करोगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड टू दी एक्स, तो क्या जाएगा 1 बाई 6, तो इसका आंसर आ गया 25/36। मेरे अकॉर्डिंग इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो किया गया ऐसे, उसके बाद सॉरी गलत, 25 बाय कितना आ गया 6 × 6 × 6 216 आएगा, सॉरी गलत, देखो जल्दी भाई इसका आंसर आप टिक करोगे फर्स्ट, ठीक है चलो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या, ये भी ठीक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया आपसे प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब डाइस को थ्री और थ्री से ज्यादा बार टॉस करना है, तो बताओ लास्ट पे सिक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको ऐसे लिखना था आपको, ये क्वेश्चन क्या था, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब डाइस को थ्री टाइम्स भी टॉस कर सकते हो, फोर टाइम्स भी कर सकते हो, फाइव टाइम्स भी कर सकते हो, डॉट 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 इन्फिनिट टाइम्स भी कर सकते हैं। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू थ्री, ओनली थ्री टाइम टॉस करो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली फोर टाइम टॉस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली फाइव टाइम्स आप क्या करोगे टॉस, और ये एक इन्फाइनिट सीरीज बनेगी जीपी की। तो उसको फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस लगा देना आंसर जाएगा। तो सुनो पी एक्स इक्वल टू थ्री का मीनिंग क्या है, पहली बार टॉस किया डज नॉट अपियर सिक्स फाइव बाई सिक्स, सेकेंड टाइम भी फाइव बाई सिक्स, और थर्ड टाइम क्या लिखोगे बोलो 1 बाई सिक्स। एक्स इक्वल टू फोर का मीनिंग फर्स्ट प्लेस सेकेंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे तो डज नॉट अपियर सिक्स, और फोर्थ टॉस पे अपियरिंग डिजिट ऑफ सिक्स, तो क्या लिखना है बोलो 5 बाई सिक्स इंटू अगेन 5 बाई सिक्स इंटू अगेन 5 बाई सिक्स इंटू 1 वाई, और एक बार और लिख दो तो सीधी सीधी बात क्या हुई, इस पे स्क्वायर आ रहा है इस पे क्यूब, इसमें क्या आएगा चार बार, यह आ जाएगा 5 बाई सिक्स की पावर 4 इंटू 1 वाई 6। तो देखो इन सब में कॉमन आ गया 5/6 5/6, दो बार ये और एक बार ये, मतलब ये आ गया 25/216, तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1+5/6, अगली बार आएगा 5/6 का होल स्क्वायर, अगली बार क्या आएगा बोलो क्यू, तो ये क्या बन चुकी है इनफाइनिट जीपी, क्योंकि सेकंड का फर्स्ट डिवीजन 5/6 और दिस अपॉन दिस ऑल्सो 5/6, तो इन्फिनिटी जीपी का सम क्या होगा ए अपॉन वन माइनस आर, ए का मीनिंग वन है, आर का मीनिंग 5/6 है, तो हो जाएगा सिक्स आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू जब सिक्स लोगे तो सिक्स कैंसिल हो गया, क्या गया 25/36, यस सर हाँ, तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सारे क्वेश्चन में मोस्टली सेम ही थे, ठीक है, ऐसे करना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इसका एक पार्ट और है सिक्स, सिक्स में क्या बोला गया है, दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ग्रेटर देन इज सिक्स गिवन एक्स ग्रेटर देन इज थ्री, अब ऐसे लिखो ना, ऐसे पढ़ते हैं अपन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सिक्स व्हेन, सॉरी एक्स ग्रेटर देन सिक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन थ्री इज ऑलरेडी अपियर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पी ए अपॉन बी,
अगर इसको ए लेट करोगे और इस इवेंट को बी लेट करोगे तो आपको क्या बताना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज हैपन गिवन दैट बी, तो पी ए अपॉन बी, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, तो ये क्या जाएगा बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। एक बार समझा देते हैं, तो दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करने पे ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज 6 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन इज 3, ये दोनों कंडीशन एक साथ क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई अपॉन पी एक्स ग्रेटर देन इज 3। तो अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कह रहा है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन 3 का मतलब पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, एक्स को 3 से ज्यादा टाइम टॉस करना है मतलब मिनिमम 4 होगा, तो अपॉन में तो क्या करना, ये फॉर्मूला लगा देना, ये तो बन गया पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और न्यूमेरेटर में थोड़ा केयरफुली देखो इसका मीनिंग क्या है, डाइस को 6 से ज्यादा बार टॉस करना है, ये कह रहा है डाइस को 3 से ज्यादा बार टॉस करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, तो अल्टीमेटली आ जाएगा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब वही सिंपल फॉर्मूला है, मिनिमम 6 बार टॉस करोगे या 7 बार या 8 बार, तो इससे जीपी बनेगी, इससे जीपी दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा जितना मेरे को आइडिया है इस क्वेश्चन का आंसर भी बेटा 25/36 आ जाएगा, तो ये कर सकते हो, ठीक है ना। चलो थैंक यू। उसके बाद देखो पैसेज नंबर 3, देखो पैसेज 3 क्या बहुत अच्छा पैसेज है, ये भी पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। कंसिडर ए ट्राइंगल ऑफ एबीसी, आपको एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी एंड ए पॉइंट पी इनसाइड इट्स प्लेन, और एक पॉइंट पी उसी प्लेन में जिसमें ट्राइंगल लेट करोगे, और एक कंडीशन है एपी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर 0, एपी बीपी और सीपी की वैल्यू मतलब लेंथ गिवन है आपको 1, तो बताओ विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट, मतलब क्वेश्चन बताने सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो बोला गया है विद रेस्पेक्ट टू द ट्राइंगल ऑफ एबीसी पॉइंट पी इट्स, मतलब ट्राइंगल एबीसी के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी क्या हो सकता है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ऐसे एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अपन क्वेश्चन फिर करते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी पी, अगेन सेकेंड क्वेश्चन में बताना है ए पी बी का एरिया, और बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर एबीसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, अगर एबीसी क्या ट्राइंगल की साइड से, तो बताओ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको दोबारा। देखो ऐसे करो एक ट्राइंगल ऐड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना है, एक ट्राइंगल लेट एबीसी एक पॉइंट प्लेन में है, चलो क्या फर्क पड़ता है पॉइंट को पी मान लो अंदर, क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये लो मैंने एक काम किया इस पॉइंट पी को मान लिया 0 वेक्टर, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, फिर इस पॉइंट पी को इन तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया, अब वेक्टर लेट करो, इसको मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, क्या फर्क पड़ता है इसको बी वेक्टर, इसको मान सकते, मानने में क्या है, ये ओरिजिन है और ये ए वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या आएगा ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बी वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर आ गया सी वेक्टर, उसके बाद आपको दिस कंडीशन को फॉलो करना है, यस सर, ए पी वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो इन तीनों की वैल्यू पुट करने पे आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0। इतना आने के बाद पहली बात तो सुनो, ए पी की लेंथ रूट 5 है, बी पी की लेंथ रूट 3 है, और सी पी की लेंथ 1 है, मतलब मोड ए रूट 5 है, इसका मीनिंग तो क्या होगा मोड ए, मतलब ए वेक्टर का मोड रूट 5, बी वेक्टर का मोड रूट 3 है, और सी वेक्टर का मोड आपको 1, ये गिवन है। तो देखो एक पार्ट तो इसका बहुत सिंपल है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दी जाए, अगर ये तीनों की लेंथ सेम है, तो एक बार बताओ एक पॉइंट की तीन पॉइंट से डिस्टेंस सेम कब हो सकती है, जब वो उसका क्या होगा बोलो सर्कम सेंटर, तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट की मैंने, तो मैंने क्या किया, अगर ये ट्राइंगल के वर्टेक्स है बेटा, तो अपन एक बार लिखते हैं ट्राइंगल का सेंट्रोइड, ट्राइंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों का समेशन बाई 3,
तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाई थ्री, लिख सकते हैं अपने वर्टेक्स पता है, और ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो आ गया तो कितना बन गया जीरो। अल्टीमेटली इसका जो सर्कम सेंटर सॉरी सेंट्रोइड है वो जीरो वेक्टर आ गया, और जीरो वेक्टर कौन हो गया पॉइंट पी। तो देन आप बोलोगे कि हाँ ये जो पॉइंट पी है वो क्या होगा, बोलो सेंट्रोइड। तो इसका आंसर तो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में बोला गया आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए पी वी, इस ट्राइंगल का बताना है एरिया। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा एसओटी यूज करो। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू एंगल बिटवीन दे, या फिर आप वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। आप वेक्टर फॉर्म से लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, हाफ ए क्रॉस बी का मोड। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना, समझो ट्राइंगल के एरिया आ गया हाफ ए क्रॉस बी का मोड। जब आप ए क्रॉस बी के मोड को लिखोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा, मतलब ए और बी के बिटवीन एंगल अपना थीटा लेट किया है। तो मोड ए मोड बी, मोड ए कितना रूट फाइव रूट थ्री, तो यह आ गया रूट फिफ्टीन, यह आ गया वन बाई टू रूट फाइव रूट थ्री साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मीनिंग एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एक काम करो ना, इस स्टेप से आपको हेल्प मिल सकती है, इसको लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर प्लस, ये लिख के इसका दोनों तरफ मोड लगा दो आप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर जाएगा सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो कितना जाएगा, मोड ए स्क्वायर फाइव मोड बी स्क्वायर थ्री टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा इक्वल टू वन। तो फाइनली इससे आ गया कॉस थीटा कितना मिलेगा, फाइव और थ्री एट, ये आ गया माइनस सेवन अपॉन टू मोड ए की जगह रूट फाइव और मोड बी की जगह थ्री कॉस थीटा आ गया। तो अपन ट्राइंगल से साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जब ट्राइंगल से साइन थीटा की बात करोगे आप तो कितना आएगा साइन थीटा बताओ, ये ट्राइंगल बना दो, ये सेवन है, ये कितना टू रूट फिफ्टीन, तो कितना जाएगा, ये आ गया दिस स्क्वायर माइनस फोर्टी नाइन, मतलब टू का स्क्वायर फोर और पंद्रह सिक्सटी माइनस फोर्टी नाइन रूट इलेवन आ गया। यस सर, तो साइन थीटा कितना मिलेगा रूट इलेवन अपॉन टू रूट फाइव। तो इसकी वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करोगे रूट इलेवन अपॉन टू रूट फाइव टू रूट फिफ्टीन, तो फिफ्टीन का मतलब क्या, ये दोनों कैंसिल टू और टू फोर, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट इलेवन अपॉन फोर। तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था उसको भी यहीं करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था आपसे कि अगर अपन इन ट्राइंगल की साइड्स को एबीसी लेट करें तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो उसको ऐसे सोल्व करना ज़्यादा बेटर है, भाई ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आपके पास ये एंगल आ गया, ये दोनों साइड पता है, तो आप कोसाइन फॉर्मूले से ये निकाल सकते हो ये, या फिर एक काम करो अपन मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये अगर इसका मीडियन है तो मीडियन एडी की लेंथ का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, एडी इक्वल टू वन बाय टू रूट ऑफ, याद होना चाहिए टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एडी लेंथ की मीडियन है। अब यार ये बताओ ये एडी लेंथ है मीडियन की लेंथ, तो सेंट्रोइड मीडियन को बेटा टू रेशियो वन में क्या करता है इंटरनली डिवाइड, तो बताओ एजी की लेंथ क्या होगी। इसमें जो एजी है आप बोलोगे एजी क्यों निकाला, क्योंकि एजी की लेंथ कितनी रूट फाइव, तो एजी की लेंथ क्या होगी टू बाई थ्री ऑफ एडी, क्या लिखोगे बोलो, लेंथ ऑफ एजी इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू ए ऑफ डी। तो AD की वैल्यू पुट करोगे तो AG तो कितना है रूट फाइव, तो इससे जाएगा रूट फाइव इक्वल टू टू से टू कैंसिल, तो वन बाई थ्री रूट ऑफ टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली आप अगली लिखोगे तो अगली में क्या करना है, इधर रूट थ्री आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार उसको लिख देना, और स्क्वायरिंग करके तीनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे बेटा तो आपको ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 27, ठीक है। तो उसके बाद आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस टाइप से इसको किया गया, ठीक है। तो चलो उसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पर सेक्शन सी की, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं इंटीजर के और वो आंसर फिल करने हैं ओनली 0 से लेके 99 तक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स
प्लस थ्री साइन एक्स प्लस टू अपॉन कॉस एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, और क्वेश्चन में गिवन है एक्स जीरो से पाइवेट हो सकता है। तो देखो उस क्वेश्चन को करने की थीम क्या, थोड़ा समझने की ट्राई करें। अब देखो उसमें लिखा हुआ है फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाइवेट टू, तो बट ऐसा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अपना ही है, तो कॉस एक्स की वैल्यू पाइवेट टू हो नहीं सकती ना, तो ये आपको इंक्लूड भी नहीं करना और उसका कोई यूज होगा भी नहीं इस क्वेश्चन, ठीक है। इस पे पाई बाई टू पे ओपन लगा दिए फिर भी ठीक है, और क्लोज हो गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को डोमेन में ही काम करना है। तो ध्यान दो सभी, इसमें क्या करना है ध्यान दो, ये जो साइन क्यूब एक्स है, थ्री साइन स्क्वायर और थ्री साइन एक्स, और इसमें से बेटा जो टू है ना इसको लिखना है वन प्लस वन। तो देखो ये जो चार टर्म है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो वन प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कोस क्यूब एक्स प्लस वन अपॉन कोस एक्स वन प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, जीरो से पाई बाई टू का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये ऑल्सो पॉजिटिव, तो आपको ऑल थ्री टर्म्स में अप्लाई करना बेटा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो देखो जब आप इसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थ्री नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या लगते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी के मल्टीप्लाई की पावर वन बाई थ्री, ए का मीनिंग वन प्लस साइन का क्यूब, बी का मीनिंग कॉस क्यूब और सी का मीनिंग वन। तो पुट करने पर जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन 3, और इधर क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों के मल्टीप्लाई करोगे और पावर क्या लगाओगे 1 बाई 3, तो ये पावर 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल और 1 की पावर समथिंग इज आल्सो 1, तो अल्टीमेटली ये जाएगा कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। तो एक काम करें, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको डिवाइड में ले आए और 3 को राइट में शिफ्ट कर दो, तो देन दिस अपॉन दिस की वैल्यू क्या होगी, 3 और 3 से ग्रेटर। तो आपको क्या बोलना है कि इसकी वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर है, तो अल्टीमेटली इसका मिनिमम आंसर क्या फिल करना, बोलो 3 आंसर आपको फिल करना है। और एक बात सुनो, इसकी वैल्यू मिनिमम 3 है और ये वैल्यू आपको अचीव होगी x इक्वल टू 0 पे। देखो ना साइन 0 0 तो 1 आ गया, कॉस 0 1, और उसके बाद ये 0 ये 0 कॉस 0 1, और सिंपल सा फंडा है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में इक्वल टू की कंडीशन कब होल्ड करोगे, व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिन नंबर्स में आपने ए एम जी एम अप्लाई किया है वो ऑल नंबर्स आर इक्वल साइमल्टेनियसली, तो देन वन प्लस साइन क्यूब इक्वल टू कॉस क्यूब इक्वल टू वन, तो इन तीनों को इक्वल करने पे कॉस एक्स इक्वल टू वन आ गया और साइन एक्स इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू कितना जाएगा बोलो, वन, साइन एक्स इक्वल टू जाएगा जीरो, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब आती है, जीरो पे, और कॉस एक्स की वैल्यू वन कब आती है, जीरो पे, तो सीधी बात है जीरो पे इसकी मिनी वैल्यू अचीव होगी, इसलिए पाई बाई टू को क्लोज में लिखो या ओपन में उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई टू पे तो इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, इन्फाइनिट पे, तो इन्फिनिटी पे तो वैसे अपन क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, तो इस पर ओपन ब्रैकेट होगा फिर भी करेक्ट है, और क्लोज लगा दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इट्स ए गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो उसको करने की थीम क्या है, दिखने में लग रहा है एक सिंपल सी इक्वेशन है, बट इसमें देखो कैसे करना है, ये क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, देखो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि दी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई सच दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2007 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन वाई इज, इस इक्वेशन के आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और एक्स वाई को कहां से स्टार्ट करना, 1 से, और एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। देखो कैसे करना है, समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसका एलसीएम लो, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, देखो 2000x प्लस 2000y और इधर आ जाएगा xy, तो इधर आ जाएगा माइनस के xy इक्वल टू जीरो, इतना आने के बाद क्या करना है, यही मेन थीम थी इस क्वेश्चन में, इसमें एक देखो क्या करना है, दिस पार्ट और दिस पार्ट में लेट आपने x कॉमन लिया बेटा, तो x कॉमन लेने पे आ जाएगा 2007 माइनस वाई, ये सॉरी 7 लगाना है, तो एक काम करें फर्स्ट और थर्ड में 2007 सॉरी एक्स कॉमन लिए तो क्या गया 2007 वाई,
इसमें क्या करना है, अपन को कुछ इस टाइप से ही लिखना है कि कुछ कॉमन इसमें मिलना चाहिए, इसको फैक्टर। तो एक काम करें, ब्रैकेट में 2000 माइनस वाई लाना है, तो चलो वाई तो आ गया लेकिन 2000 कॉमन भी तो आना चाहिए ना, तो उसका बेटर ऑप्शन है, इसको आपको करना पड़ेगा 2007 का स्क्वायर, सबट्रैक्ट कर दो, तो इधर भी क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट। बस यही थीम थी इस क्वेश्चन की, इसको लिखने से बेनिफिट क्या होगा, अब आप इसमें कॉमन ले सकते हो माइनस 2007, क्योंकि फैक्टर सेम आना चाहिए। तो एक्स ब्रैकेट में आ गया 2007 माइनस वाई, माइनस 2007 जब बेटा कॉमन लोगे तो अगेन आ गया, सॉरी माइनस कॉमन लोगे तो क्या गया, माइनस 2007 माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2007, ये सर का ऑल स्क्वायर। ये अगेन कॉमन लोगे तो कितना आ गया, ये आ गया एक्स माइनस 2007 इंटू 2007 माइनस वाई इक्वल टू माइनस। तो एक काम करें, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो राइट साइड से माइनस को क्या कर सकते हैं अपन, कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2007 का स्क्वायर। ध्यान रखें x और y आपके क्या नेचुरल नंबर। अब क्या करो, एक काम करो, देखो x इंटीजर है तो x माइनस 2007 भी क्या होगा, इंटीजर, और ये भी क्या होगा बोलो, इंटीजर। तो एक काम करें, इसको लेट कर लेते कैपिटल x, इसको लेट कर लेते कैपिटल y, ठीक है। तो कैपिटल x कैपिटल y लेट करने के बाद ये क्वेश्चन देखो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गया, कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू 2007 का स्क्वायर। और एक काम करो, इसको इधर लिख देते साइड में, कैपिटल एक्स का मीनिंग है एक्स माइनस 2007 और कैपिटल वाई का मीनिंग है वाई माइनस 2007। अल्टीमेटली इससे एक्स आ गया कैपिटल एक्स प्लस 2007, सिमिलरली स्मॉल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई प्लस 2007, ठीक है। बाकी इसको आप रिमूव कर देते, इसका कोई यूज नहीं है, जो यूज था वो लिख लिया अपन। अब देखो आगे क्या करना है, आपने सबने वैरायटी क्वेश्चन किए होंगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 30। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में करने का क्या पैटर्न होता था, अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके करते थे प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 5। फिर अपन क्या करते थे कि किस टाइप से अपन को 2 और 3 5 को लेट करें कि उनका मल्टीप्लाई 30 आना चाहिए। तो एक पैटर्न था, ये पैटर्न आपको आईडिया होना चाहिए थोड़ा। अपन लिखते कि x की इक्वल टू 2 की पावर α1 इंटू 3 की पावर β1 इंटू 5 की पावर γ1। सिमिलरली कैपिटल y इक्वल टू 2 की पावर मान लो α2 3 की पावर β2। इसका मीनिंग है, ये अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का, उसका ये पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इंटू ग्रुप्स, एक से ज़्यादा एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, उस थ्योरी को यूज किया गया। तो ये सीधी बात सुनो ना, इसका मीनिंग ऐसे समझो कि जो नंबर एक्स है उसमें 2 की पावर α1 टाइम्स प्रेजेंट हो, 3 की पावर β1 टाइम्स प्रेजेंट हो और 5 की पावर γ1 टाइम्स प्रेजेंट हो, यही वाई का होगा। तो अब जब आप एक्स का वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर α1 + α2। तो α1 + α2 क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो आप लिखोगे α1 + α2 इक्वल टू 1 आना चाहिए एंड β1 + β2 का मल्टीप्लाई बनाना चाहिए, सॉरी समेशन, एंड γ1 + γ2 का भी क्या आना चाहिए, 2। और एक बात बताओ, α1 α2 α3 क्या होंगे, इंटीजर होंगे ना, अरे क्योंकि इंटीजर लोगे तो 2 की पावर इंटीजर, यस सर, क्योंकि 2, 3, 5 अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की पावर इंटीजर लोगे, पॉजिटिव इंटीजर, उसी केस में बेटा क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो देन α1 α2 β1 β2 अप टू सोन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अल्टीमेटली दिस इक्वेशन के आपको बताने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो सबने पढ़ा होगा किसी भी इक्वेशन के, जैसे लेट इक्वेशन है दिस पार्ट इक्वल टू n, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, n + r - 1 c r, इस थ्योरी को यूज करोगे आप। तो जैसे लेट इसमें बात करोगे तो क्या गया, इसमें n तो 1 है और r 2 है, तो क्या जाएगा 1 + 2 - 1 c1, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2 c1, 2 इसके भी 2 और इसके भी 2, तो कितने सॉल्यूशन होंगे बोलो, 8 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या करना, वही सेम आप 2007 के करोगे फैक्टर। तो देखो सबसे पहले 3 कॉमन आ गया इसमें से,
थ्री कॉमन लोगे तो क्या गया, छह थी अठारह दो सत्ताईस, नौ तीस सत्ताईस, अगेन थ्री कॉमन ले सकते हैं तो कितना जाएगा, टू टू थ्री। अब शायद इसके फैक्टर नहीं होंगे तो ये आ गया कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू थ्री स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया थ्री की पावर फोर इंटू टू ट्वेंटी थ्री की पावर, प्राइम फैक्टर है। तो क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स में लिखोगे थ्री की पावर अल्फा वन दिस की पावर बीटा वन, ऐसे ही वाई में अल्फा टू बीटा टू, तो क्या आ गया अल्फा वन प्लस अल्फा टू फोर होना चाहिए एंड बीटा वन प्लस बीटा टू आपको फोर थ्री टू आना चाहिए। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला फोर प्लस टू माइनस वन सी टू एंड दिस इज टू प्लस टू माइनस वन सी टू, फोर टू सिक्स माइनस वन फाइव, सी टू की वैल्यू टेन होती है इंटू टू ऑफ टू फोर माइनस वन, थ्री सी टू की वैल्यू को गया होगी बोलो थ्री सॉरी फाइव सी टू, तो थर्टी आ गया ना, इसमें थोड़ी मिस्टेक की है मैंने, शायद फॉर्मूले में अपन लिखते हैं एक में फोर आर माइनस वन होगा शायद, एक बार देख लेना फॉर्मूला, आर माइनस वन आता है सॉरी एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वन हो जाएगा जितना मेरे को आइडिया है, तो वन आ गया तो फोर टू फाइव सी वन की वैल्यू फाइव होती है और थ्री सी वन की वैल्यू थ्री, मतलब टोटल इसके सोल्यूशन होंगे 15। अब आगे क्या करना था वो सुनो, टोटल 15 सोल्यूशन है एक्स और वाई के पेयर, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो सिंपल सा फंडा ये है, इसमें तीन वेरायटी होंगी, जो टोटल सोल्यूशन 15 है इसमें तीन वेरायटी है। एक केस तो होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा, क्यों, क्योंकि सीधी बात सुनो ये पावर इवन है और ये भी पावर इवन है, तो एक काम करो ना कैपिटल एक्स में थ्री स्क्वायर ले लो, इधर भी थ्री स्क्वायर, इधर टू ट्वेंटी थ्री, एक बार इधर ले लो एक बार इधर ले लो, तो x और y मतलब एक पेयर ऐसा जिसमें x y दोनों क्या होंगे इक्वल। सिमिलरली 50% में क्या होगा, x y से बड़ा होगा और x y से छोटा होगा, मतलब 7 इधर होंगे और 7 इधर होंगे, एक किस में इक्वल है क्योंकि दोनों पे पावर सेम है इवन, एक इवन एक और होगी तो दो x y के इक्वल हो नहीं सकता कभी। तो अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो देन आपको इसका 8 आंसर बेटा फिर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट आर इंटीजर एंड लार्जर देन वन, इस पावर फाइव के ऑल रूट्स इंटीजर हैं और वन से ग्रेटर है, देन मोड ए इज, तो देखो क्या थीम है, ये पावर फाइव की इक्वेशन थे, काम करते हैं इसके फाइव रूट मान लेते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, ये आपको शॉर्टकट पता होगा शायद। तो एक बार लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट में बेटा कॉन्स्टेंट की बात है, बाकी तो सारे एबीसीडी वेरिएबल है तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, तो इसका प्रोडक्ट रूट आ गया लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपन को इसमें सोचना था, 420 आ गया ना। अब ऑलरेडी मेंशन है कि जो x1, x2, x3, x4, x5 वो वन से ग्रेटर मानने हैं, वन से ग्रेटर है वो इक्वल भी हो सकते हैं और इंटीजर तो लेने लेना है, क्या लेना है इंटीजर और वन से ग्रेटर। तो देखो आगे थीम क्या है, इस 420 की फैक्टर करो 21 गुणा दो, थोड़ा करते हैं अपने कोड़े, फिर क्या जाएगा 2 गुणा 21 का मतलब 3 5, ये आगे सारे फैक्टर देख लो एक बार दोबारा, 2 लिखा 2 5 आ गया, 21 का मतलब 3 इंटू 7, ये आ गया x1, x2, x3, x4 और x5। ये देखो ये भी 5 नंबर है और ये भी 5 नंबर है, केयरफुली सुनना समझ में जाएगा आपको, x1, x2, x3, x4, x5 को 1 तो ले नहीं सकते, मतलब अगर x1 को 2 लोगे फॉर अगले को 2, अगले को 3, अगले को 5, अगले को 7, उसी केस में इसका मल्टीप्लाई 420 हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे एक काम करो सर इस टू को इसके साथ ले जाओ, तो फिर वन इंटू फोर आ गया, तो भाई अगर वन इंटू फोर कर दिया आपने इसको तो ठीक है, फाइव फैक्टर तो हैं बट इसमें एक फैक्टर को वन लेना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि जब ये सारे के सारे रूट इंटीजर हैं तो आपको इसके फैक्टर करने इंटीग्रल फॉर्मेट में, और कोई भी फैक्टर में वन नहीं लेना है, फैक्टर करने फाइव और कोई भी फैक्टर में वन नहीं लेना है, तो उसका एक ही ऑप्शन है बस ये टू इंटू टू थ्री फाइव सेवन, तो देन एक्स वन टू मान सकते हैं, अगले को टू नेक्स्ट को थ्री फाइव सेवन। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, मोड़े, मोड़े का मतलब बात करोगे सम ऑफ रूट सिग्मा,
तो क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो माइनस a। तो इन सारे रूट्स का सम आ जाएगा 7 5 12 16 सॉरी 12 3 15 सॉरी ये थोड़ी करना है ऊपर वाला, ठीक है दोबारा देखो क्योंकि इस केस में तो एक रूट वन होगा तो वन ले नहीं सकते। 7 और 5 12 12 और 4 16 और 3 19 मतलब ए आ गया माइनस के 19, बट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में मोड ऑफ ए तो देन आपको इसका 19 आंसर बेटा फिल करना है। हाँ उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको ट्राई। क्या क्वेश्चन है, लेट जेड वन कॉमा जेड टू बिलोंग्स टू सी, सी का मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटिस्फाई दी इक्वेशन जेड प्लस वन के मोड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन के मोड का स्क्वायर प्लस टू मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू सिक्स, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ जेड वन माइनस टू का मोड प्लस ट्वाइस ऑफ टू जेड टू प्लस वन का मोड, इसकी बतानी है आपको मैक्सिमाइज वैल्यू। तो चलो देखते हैं, पहले इसको देखो कि ये जो इक्वेशन गिवन है मॉडुलस इक्वेशन, इसमें जेड का लोकस क्या हुआ, तो एक काम करते हैं जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का क्या चाहिए लोकस, तो आप क्या लेट करते हो जेड को लेट करो एक्स वाई, तो ये क्या जाएगा, ये तो आ गया सिंपल एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, लेकिन स्क्वायर तो रूट रह जाएगा। अगला आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट आ गया ट्वाइस ऑफ मोड जेड का मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, स्क्वायर हटा सकते हैं। तो देखो कितना आ गया एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, दिस इज फोर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इज अगेन फोर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई कैंसिल आउट, प्लस वन और सिक्स, तो क्या रह गया बोलो फोर। तो अल्टीमेटली जो जेड है उसका लोकस आ गया एक सर्किल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है और रेडियस इज वन। यस सर, अब देखो थीम क्या है, एक बार इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देते कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक सर्कल है इसका सेंटर जीरो जीरो रेडियस में है, तो ये पॉइंट तो आ गया वन कॉमा जीरो। अब देखो क्या करना है, जिसकी वैल्यू पूछी इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जेड वन जेड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, अल्टीमेटली जो जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं सर्किल की पे, जेड वन जेड टू को कहाँ लेना है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। अब जिसकी वैल्यू पूछी उसकी बात करते हैं, देखो ये क्या है टू मोड ऑफ जेड वन माइनस टू का मोड, एक काम करो उसमें से टू को कॉमन ले लो बाहर, तो क्या जाएगा जेड टू प्लस वन बाई टू का मोड। तो दिस पार्ट का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, जेड माइनस जेड वन के मोड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड, जेड की जेड वन से डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू कॉमा जीरो की जेड वन से डिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2,0 इधर होगा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया 2,0 की क्या लेनी है जेड वन से डिस्टेंस, और जेड वन लाइज ऑन दी सर्किल, अल्टीमेटली 2,0 की आपको इस सर्किल से क्या बतानी है मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, जेड वन जेड टू दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों की सेपरेट मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर जेड वन जेड टू नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो भाई उसको बात तो अपन को उसको कैलकुलेशन देखना पड़ सकता है, तो अभी तो अपन इंडिविजुअली दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या बोला गया 2,0 की सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो क्या करते हैं जब भी किसी भी पॉइंट की सर्किल से क्या चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, तो आप उसके सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन बना दो, तो क्या होगा सीधी सीधी बात इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी इसकी मैक्सिमम यहां तक, तो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो जेड वन माइनस टू के मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी 3, तो 3 टू जी 6, ये तो आ गया भैया 6 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसका मीनिंग क्या है जेड टू प्लस वन बाई टू का मीनिंग है माइनस वन बाई टू कोमा जीरो की जेड वन से डिस्टेंस या जेड टू से डिस्टेंस, तो माइनस हाफ कोमा जीरो कहां प्रेजेंट होगा दिस पार्ट, तो इसका मीनिंग है माइनस वन बाई टू कोमा जीरो की सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या चाहिए मैक्सिमम, तो इस बार इस पॉइंट को यहां ज्वाइन करना है, तो ये डिस्टेंस होगी, तो देखो ये हाफ है वन है तो 3/2 आ गया ना, अल्टीमेटली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 6 और 3 9, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप फिल करोगे बेटा 9, ठीक है चले।
उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की थीम देखना, इसको थीम कैसे किया गया, समझो क्वेश्चन क्या, देखने में तो ऐसा लग रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में। लेट एस इक्वल टू गिवन है सिग्मा के इक्वल टू 1 से 81 अपॉन रूट के, देन स्टेप एस इज, ये एस गिवन है, इसने स्टेप एस पूछा है, मतलब अल्टीमेटली एस की जो वैल्यू है ना वो कुछ इंटरवल के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है कि एस स्टेप एस लाइज की स्टेप एस क्या हो सकता है। तो देखो उस क्वेश्चन को कैसे किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको यूज करना है टीएन मेथड। आपको सबको पता होगा सीक्वेंस सीरीज में किसी स्पेशल सीरीज का सम अगर आपको करना फाइंड आउट, तो अपन क्या करते हैं ईच टर्म को टू पार्टों में ब्रेक करते हैं, एक ऑप्शन तो ये है। इसमें अपन को क्या करना है, ये वन अपॉन रूट के है, इसकी वैल्यू को दो टर्म्स के फॉर्मेट में कंप्रेज करना है। याद करो आप एक बार 2019 या 2018-17 में एक IIT में क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन में, एक इंटीग्रेशन में क्वेश्चन था जिसमें ln 1 plus x upon 1 plus के सिग्मा इंटीग्रेशन था, तो उसमें उसको कंप्रेज करके पूछा था कि I lies in, ऑप्शन भी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, उस फॉर्मेट को इसमें फॉलो करना है थोड़ा, उसमें तो इंटीग्रेशन का यूज था, बट इसमें विदाउट इंटीग्रेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो देखो थीम क्या, समझो पहले इसमें लिखना क्या, लिखने के बाद समझ में जाएगा सबको, एक नया क्वेश्चन है थोड़ा समझे, इसमें मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। इसमें लिखा कि रूट टू रूट के, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते बुक्सों में, बट ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस समझना इसकी, प्रैक्टिस कैसे की गई है कि दिस पार्ट टू रूट के, अभी टू को तो सेट कर देंगे बाद में, टू रूट के इज लाइज बिटवीन, ध्यान दो रूट के, टू रूट के का मीनिंग क्या, रूट के प्लस रूट के, तो एक बात बताओ रूट के प्लस रूट के है, मैंने एक में वन ऐड कर दिया बस और दोबारा ऐड कर दिया, तो सीधी सीधी बात है बेटा दिस पार्ट की वैल्यू दिस पार्ट से क्या होगी, ग्रेटर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपन जब टीएन मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, टेलीस्कोप सी, तो उसमें क्या करते हैं ईच टर्म को टू पार्टों में ब्रेक करते हैं, वो भी सबट्रैक्शन की फॉर्मेट में, जिससे क्या होगा सेकेंड टर्म थर्ड से कैंसिल अप टू सो ऑन, और वो भी सबट्रैक्शन की फॉर्मेट में। आप बोलोगे सर प्लस कैसे आ रहा है, अरे जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका डिवाइड में जाएगा, तो देन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक न्यूमेटर के बीच में क्या जाएगा माइनस, तो प्लस की फॉर्मेट में लिखेंगे पहले फिर इसका करेंगे रेसिप्रोकल, ये सही है। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कि दिस पार्ट की वैल्यू हमेशा के प्लस वन के रूट प्लस रूट के से क्या होगी, लेस होगी। इधर क्या करना है, वो डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस वन आना चाहिए, डिफरेंस वन लाना मैक्सिमम, अदरवाइज डिफरेंस जितना ग्रेटर होगा टर्म्स उतनी ही बचती जाती, ध्यान देना बीच में। आफ्टर दैट क्या करना, ध्यान दो इधर मैंने क्या किया, लिखने के बाद ही समझ में आएगा, रूट एक बार के में हाफ जोड़ दिया और प्लस के में हाफ माइनस कर दिया। अब बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो दोबारा इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पता है क्वेश्चन में के वन और वन से बड़ा है, तो एक काम करो पहले के को रख के दिखा देते हैं इन दोनों में, तो देखो ये हमेशा बढ़ाएगा, जैसे के को वन लिया तो ये जाएगा रूट थ्री बाई टू और ये रूट वन बाई टू और ये जाएगा टू रूट टू, आप देखना सॉरी ये टू होगा, आप देखना इसकी वैल्यू टू से छोटी होगी बेटा, और इस पे आ रहा है तो टू रख के देख लेना, किसी भी को रख के देखो ये वैल्यू हमेशा से बड़ी होगी। आप बोलोगे सर इसको मैथमेटिकली करो आप, तो एक काम करो ये लिख लेना पहले और दोनों की दो बार स्क्वायरिंग कर देना, तो अपने आप दिख जाएगा कि हाई ऑलवेज ट्रू आ रहा है, जो लेट करने पे सिंपलीफाई करने के बाद ट्रू आ गया इसका मतलब अजम्पशन इज ट्रू, और अगर रॉन्ग आ गया इसका मतलब अजम्पशन इज रिवर्स, ठीक है, तो ये अजम्पशन से भी कर सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको। तो इधर आ गया रूट के प्लस वन प्लस रूट ऑफ के माइनस वन, अब अपन को तो क्या चाहिए डिनोमीटर में, तो क्या करें इस टू साइड इनइक्विटी का कर देते रेसिप्रोकल, तो जैसे अपन क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या होगा ये लेफ्ट और राइट के पार्ट क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, या फिर अपन बोलते हैं कि जब भी किसी भी इनइक्विटी का क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो आप साइन को क्या करते हैं इंटरचेंज, तो इसको इधर ले आते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर जाएगा रूट वन बाय रूट के प्लस वन प्लस रूट के वन अपॉन टू रूट के, और ये जाएगा वन अपॉन रूट के प्लस हाफ माइनस रूट के माइनस हाफ सॉरी। अब ये लिखने के बाद दो काम करेंगे एक साथ, टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि मेरे को तो वन बाय रूट के चाहिए, और साथ के साथ करेंगे रैशलाइजेशन, तो देखो क्या जाएगा इधर टू ले लो मल्टीप्लाई में, जब इसके माइनस से करोगे तो न्यूमेटर में तो जाएगा बेटा के प्लस वन का रूट माइनस रूट के, और
नीचे फॉर्मूला बन गया ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, दिस इज के प्लस वन माइनस के, तो वन आ जाएगा और ये आ गया वन अपॉन रूट के। इधर क्या होगा टू ब्रैकेट में, अगेन करो इसका रेशन, तो न्यूमेटर में होगा के प्लस हाफ का रूट माइनस रूट ऑफ के माइनस हाफ, और अगेन ए प्लस बी माइनस बी करने पे दोबारा वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब खुद दो सो, अब इसका ले लेते सिग्मा, इधर भी सिग्मा लगा सकते हैं, के इक्वल टू वन से एटी। जब इधर सिग्मा लगाओगे तो क्वेश्चन एस बन जाएगा, ये लो सीधा लिख दो एस, और इधर भी सिग्मा लगा देते हैं के इक्वल टू वन से एटी। अब कुछ नहीं, अब तो सीधा लिखनी है आंसर। इतना आने के बाद देखो अब रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या इसमें होंगे, ध्यान दो। देखो जब आप के को वन लोगे, ये रूट टू माइनस रूट वन, रूट थ्री माइनस रूट टू, अल्टीमेटली क्या होगा रूट टू माइनस रूट टू से कैंसिल, तो सिंपल सा फंडा है, के को वन लेने पे सबसे छोटी टर्म बचेगी माइनस के वन, और मैक्सिमम बचेगा रूट एटी वन मतलब नाइन, मतलब फाइनली क्या होगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा टू इंटू नाइन माइनस वन इज लेस देन एस इज लेस देन एज। जब इधर के को वन लोगे तो ये तो क्या देगा, सिंपल सी बात है, के को वन लेने पे ये वन बाई रूट टू आ रहा है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये अगली टर्म से कैंसिल हो गई, तो के को वन लेने पे इधर क्या जाएगा वन बाई रूट टू माइनस का, तो एक तो इधर बचेगा माइनस का। अब लिख के देख लेना दो तीन टर्म दिख जाएगा आपको, और के को जब एटी लोगे तो एटी प्लस हाफ का रूट 162, ये आ जाएगा रूट 162 अपॉन रूट टू, चलो रूट टू एक साथ लगा सकते हैं। इतना आने के बाद देखो एट, ये आ गया 16 एस। अब ये आपको करना पड़ेगा, ये आ गया रूट 162 माइनस वन अपॉन रूट ऑफ, कुछ नहीं कोई बड़ा काम नहीं, इसको तो इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। जब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, आप इसकी ये तो रूट टू आ गया, लो रूट टू की वैल्यू क्या होगी 1.41, एक बार इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख के देखना, ये वैल्यू बेटा आपको अचीव होगी 16.45 क्या जो भी है, तो बताओ एस की वैल्यू 16 से ग्रेटर है और 16 प्लस 0.5 से लेस है, और तो स्टेप एक्स क्या होगा 16 आंसर जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा सर ये 17 पॉइंट होगी तो क्या होगा, तो फिर क्वेश्चन फीजिबल हो नहीं सकता, उसके वैल्यू तो फिक्स्ड होगी ना, ऐसे थोड़ी कि दो आंसर हो सकते हैं, आंसर तो न्यूमेरिकली फिक्स्ड होगा। तो या तो ऐसा रहा होगा कि जो आपने लेट किया है वो अजम्पशन थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो, उसमें अजम्पशन ऐसा लेट करो कि नीरेस्ट आंसर होना चाहिए, ये थोड़ा पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया गया है। ऐसा एक क्वेश्चन और भी याद है मेरे को, वो भी डेफिनेट में आया था, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, उसमें एक फंक्शन दे रखा था fx इक्वल टू, जिसकी 0 से 1 में उसकी वैल्यू बोली थी स्मॉल m से कैपिटल m, फिर उसने पूछा बताओ स्मॉल m कैपिटल m क्या होंगे, तो उसमें भी दो मेथड थे। अगर इंटरवल प्रॉपर लोगे, जितना स्मॉल इंटरवल होगा उतना ही आंसर क्लोजेस्ट आएगा, इंटरवल को अगर बड़ा बना दिया तो इंटरवल बड़ा होने पे आंसर का की जो रेंज है वो बड़ी होगी, तो हो सकता है कि वो आंसर करेक्ट होगा बीच में, बट दो इंटीजर होंगे तो फिर जस्टिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिल करना है बेटा 16, ठीक है चले। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट्स ए आल्सो ए गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करें आप एक बार। क्या क्वेश्चन है पढ़ो एक बार, लेट fx be a thrice differentiable function in a to b, एक fx फंक्शन है जो 3 टाइम्स आपका क्या डिफरेंशियबल फंक्शन है a to b में, एंड a अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 अप टू b, ये इस ऑर्डर में लेना है। f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के इक्वल और -2 बोली गई है, सिमिलरली f ऑफ अल्फा 1 f ऑफ अल्फा 3 3 लेना है, f ऑफ अल्फा 2 f ऑफ अल्फा 4 -3 लेना है, और f ऑफ अल्फा 5 लेना -1। Then the minimum number of roots of the equation this part is for all a to b, इस equation के बताओ a to b में total minimum number of roots का मतलब कितने roots हो सकते हैं, zero हो सकते हैं। तो देखो क्या theme थी, आप इस equation को थोड़ा carefully देखोगे तो पता है क्या चीज़ है, ये differentiation of, ऐसा question already IIT में एक बार आ चुका है, ये fx into f डबल डेस x का बेटा डिफरेंशिएशन है। देखो केयरफुली, इस टाइप के क्वेश्चन काफी करते हैं अपन क्लासेस में, ठीक है। देखो इसका डिफरेंस करो, तो एक काम करें अपन इसको hx सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर इसको hx सेलेक्ट किया तो hx का डिफरेंस क्या आ गया h डेस x इक्वल टू 0, अल्टीमेटली आपको h डेस x इक्वल टू 0 के रूट्स पूछे, नंबर ऑफ रूट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स,
कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है आपका, सॉरी इसको तो लगता है स्पेस की जरूरत पड़ेगी अभी। आपका एच एक्स है इसमें एफ एक्स इंटू एफ डबल एस एक्स, तो अपन करते क्या है एच एक्स के नंबर ऑफ रूट्स पता करोगे तो एच डेस एक्स का एक रूट कम हो जाता है। किसी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशियबल है तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट उससे क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो तो आप पहले तो करोगे एफ एक्स की रूट्स और फिर इसके रूट्स, सीधी बात है एच एक्स इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डेस जीरो, अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स और डबल डेस के रूट्स को ऐड करना है, तो एच एक्स के रूट और एक कम करोगे तो एच डेस एक्स के रूट मिल जाएंगे आपको। तो देखो कैसे किया गया, अपन एक काम करते हैं एफ एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इसमें यूज करनी रॉस थ्योरम, ध्यान रखना सभी। तो चलो अपन एक बार एफ एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। ये जो ऑर्डर वो लिखते हैं ए एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री एल्फा फोर अल्फा फाइव एंड बी। अब देखो आगे क्या करना है, थोड़ा किया फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है तो डायग्राम को एक कर्व की तरह ड्रॉ करना है, ध्यान दें। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू इक्वल और नेगेटिव है माइनस टू, चलो ये मान लेते हैं कि ये दोनों माइनस टू हैं, बस ये लिखना जरूरी है ये माइनस टू है और करस्पॉन्डिंग ये भी कितना है बोलो, केयरफुली करना नहीं तो गलती हो सकती है। इन दो पॉइंट से डायग्राम पास करना है, आफ्टर दैट एफ ऑफ अल्फा वन और एफ ऑफ अल्फा थ्री, अल्फा वन अल्फा थ्री पे वैल्यू लेनी है थ्री, अल्फा वन पे भी थ्री लेना है तो ये भी थ्री और ये भी थ्री इक्वल लेना, चलो ठीक है। आफ्टर दैट अल्फा टू पे माइनस थ्री लेनी है, माइनस थ्री थोड़ा नीचे जाएगा ये लो भाई, और अल्फा फोर पे भी नेगेटिव है इक्वल है तो माइनस थ्री, ये माइनस थ्री की लाइन है। और उसके बाद एफ ऑफ अल्फा फाइव पे वैल्यू लेनी है माइनस वन, ये माइनस थ्री है तो माइनस वन थोड़ा और ऊपर होगा ना इधर, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। डायग्राम को इन ऑल पॉइंट से आपको पास कराना है बस, तो कर देते फंक्शन कंटिन्यूस है तो कर्व बनाना है, तो ध्यान दे इस पॉइंट से मैंने डायग्राम बनाया, ऊपर लेके जाओगे फिर इधर आना पड़ेगा, फिर इधर से लेके इधर जाओगे, फिर इधर से लेके इधर आओगे, फिर इधर जाओगे और फिर इधर आओगे, सीधी वो एकदम एग्जैक्ट डायग्राम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम को दो तीन बार घुमा दो, नहीं घुमाने से एफ डी एस एक जीरो तो होगा बट आपको क्या चाहिए, मिनिमम रूट्स चाहिए, तो मिनिमम के लिए कर्व को अपन को बार बार टर्न नहीं करना है, टर्न करने से क्या होगा एफ डेस एक्स के रूट्स बढ़ जाते हैं। जैसे कोई कर्व को आपने एक बार टर्न किया तो एफ डेस एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप जीरो, तो एफ डेस एक्स का एक रूट, अगर आप जबरदस्ती दो बार टर्न करोगे तो रूट तीन हो जाएंगे, एक इधर एक नीचे और एक उधर, मिनिमम रूट्स में आपको टर्न वहीं लो जहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चले अब ध्यान दो कैसे करना है, ये एफ एक्स का डायग्राम है, तो देखो एफ एक्स एक तो इधर जीरो है, एक दिस पार्ट एक दिस पार्ट एक दिस पार्ट, बस एफ एक्स की तो रूट है भैया फोर, एफ एक्स के रूट कितने बोलो फोर। तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं सर, एफ एक्स के रूट फोर हैं तो अब आपको चाहिए एफ डबल डैश एक्स के रूट, तो देखो एफ डैश एक्स के रूट देखेंगे फिर डबल डैश के रूट्स देखेंगे, तो देखो इधर एफ डेस एक्स जीरो, इधर एफ डेस एक्स जीरो, इधर भी एफ डेस एक्स जीरो और इधर भी एफ डेस एक्स जीरो, और जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं कि सर एफ एक्स की रूट अगर एफ एक्स की रूट अगर कितने हैं फोर हैं तो एफ डेस एक्स के एक रूट कम हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कर्व देखो इस जगह इसने एक्स्ट्रा टर्न ले लिया तो उससे रूट्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर डायग्राम से काम करना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग एफ डेस इसके रूट कितने होंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये एफ डेस एक्स की रूट है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन को एच एक्स की रूट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो एच डेस एक्स का एक रूट कम हो जाएगा, लिख देते हैं इधर, अपन को बताने एच डेस एक्स इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो एक बार इसको इससे हटा देते हैं। दोबारा सुने, एफ एक्स के फोर रूट थे और एफ डेस एक्स के कितने रूट है बोलो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव मिनिमम, एफ डेस एक्स
आपका 5.0 है, तो बच्चे क्या करते हैं सर, एफ डबल डैश एक्स के मिनिमम 4 रूट होंगे, और एफ डबल डैश एक्स के 4 रूट हैं, तो 4 और 4 8, तो एच डैश एक्स के मिनिमम 7 आंसर होंगे, बट ये रॉन्ग आंसर है, नॉर्मली ये करते हैं। ये कब सही होगा इसका आंसर बाद में देंगे, पहले अपन अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दें, एक बार समझना, एफ डैश एक्स कब कब जीरो आ रहा है, एक बार तो जीरो इधर है, इसका मतलब क्या है, ये ए से लेके अल्फा वन के बीच में जीरो है, क्या बोलो, ए से लेके अल्फा वन के बीच में जीरो, एक बात सुनो, पहले तो ये देखो एफ एक्स की वैल्यू जीरो कब कब मिली, एक तो एफ एक्स जीरो क्या होगा, अल्फा वन से लेके अल्फा टू, एक बार कब जीरो होगा बोलो, अल्फा टू से अल्फा थ्री, नेक्स्ट लिखोगे अल्फा थ्री से अल्फा फोर, और नेक्स्ट लिखोगे सॉरी ए से अल्फा वन, इधर लिख देते हैं ए से अल्फा वन, ये चार बार जीरो था। अब एफ डैश एक्स कब कब जीरो वो लिखते हैं अपन, एफ डैश एक्स जीरो है आपका, एक तो अल्फा वन पे एक अल्फा टू पे, ध्यान दो एफ डैश एक्स जीरो कब है, एफ डैश अल्फा वन जीरो, एफ डैश सॉरी अल्फा वन बोलो उसको, हाँ इधर जीरो इधर जीरो, मतलब एफ डैश एक्स आपका इन पॉइंट्स पे जीरो है, तो ये तो लिख सकते हैं सीधा एफ डैश अल्फा वन जीरो, एफ डैश अल्फा टू जीरो, एफ डैश क्योंकि इधर टर्न लेगा डायग्राम अल्फा थ्री जीरो, एफ डैश अल्फा फोर जीरो, और एफ डैश अल्फा फाइव जीरो, ये वैल्यू गिवन है, इसलिए इस एफ डैश एक्स की रूट एफ एक्स की रूट से ज्यादा है, बस ऐसा होता नहीं है, अगर ये वैल्यू फाइव ना गिवन हो तो एक रूट अपने आप कम हो जाएगा, सीधा फंडा है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान दें क्या करना है, रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि एफ डैश एक्स अल्फा वन अल्फा टू पे जीरो होगा तो 100% इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव का एक रूट अल्फा वन से अल्फा टू के बिटवीन प्रेजेंट होगा, मतलब अल्टीमेटली जो डबल डैश एक्स है, इधर लिख देते हैं डबल डैश एक्स का एक रूट कहां प्रेजेंट होगा बोलो, अल्फा वन से लेके अल्फा टू, एक रूट प्रेजेंट होगा आपका दिस पोर्शन में अल्फा टू से अल्फा थ्री, एक रूट प्रेजेंट होगा बच्चों अल्फा थ्री से अल्फा फोर, और नेक्स्ट रूट प्रेजेंट होगा अल्फा फोर से अल्फा फाइव, तो ये दिख रहा है इसके फोर रूट है और इसके फोर रूट है तो एट, तो सेवन आंसर आना चाहिए, बट एक बात थोड़ा समझने की ट्राई करें, कुछ सोचो एफ डबल डैश एक्स का एक रूट मिल रहा अल्फा वन से अल्फा टू, एक अल्फा टू से अल्फा थ्री, और एक अल्फा थ्री से अल्फा फोर, तो एक बात बताओ एफ एक्स का भी एक रूट अल्फा वन से अल्फा टू है, इसका भी वन रूट दिस पार्ट है और इसका भी वन रूट दिस पार्ट है, तो एक बात खुद सोचो अल्फा वन से अल्फा टू के बिटवीन एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स के जो रूट्स हैं वो कोइंसाइड कर सकते हैं, मे बी कोइंसाइड, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो आपको इनकी काउंटिंग बेटा केवल एक ही बार करनी है, तो क्या होगा ये तीन रूट को हटा दो तो कितना आ गया, एक दो तीन चार और एक पांच, अल्टीमेटली जो एफ एक्स के रूट तो कैसे भी लिख दो इसके रूट चार हैं तो फिर इसका एक ही मानना, या फिर ऐसे बोल दो चार और चार आठ, तीन कॉमन है कोइंसाइड कर सकते हैं, तो मिनिमम रूट क्या होंगे एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स के फाइव, तो देन आपको उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव के रूट बताने, तो बेटा आपको इसका आंसर फिल करना था फोर, ध्यान दे इस बात को, ठीक है, तो ये इसमें मेन पार्ट था। और ये क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हो, अगर इस क्वेश्चन में ये लिख दें कि एफ एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स हैज नो कॉमन रूट, रूट तो है बट कोई भी रूट कॉमन नहीं है, तो फिर काउंटिंग आपकी सही है जो आप लिखोगे, ठीक है। पढ़ो, लेट एफ माइनस अल्फा से बीटा टू माइनस फोर से टू, एक फंक्शन एफ है जिसकी डोमेन है माइनस अल्फा से बीटा से माइनस फोर से टू, वी एक कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो जीरो लेना है एंड अल्फा बीटा पॉजिटिव है, अल्फा बीटा को पॉजिटिव माना है ताकि माइनस अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, इफ द एरिया इंक्लूड वाई एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस अल्फा टू जीरो, एफ एक्स का एक्स एक्सिस से माइनस अल्फा से जीरो में जो एरिया है और एफ एक्स का एक्स
और जीरो से बीटा में जो एरिया वन और थ्री बोला गया रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट एरिया वन अगला थ्री है, तो क्या बोला गया एंड द एरिया इंक्लूड बाय एफ इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम -4 to -4 से 2 इज दिस पार्ट पी प्लस क्यू बीटा प्लस आर अल्फा देन पी प्लस क्यू प्लस आर इज। तो देखो कैसे करना समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार अपन एफ एक्स के डायग्राम की बात करते हैं, पहली बात तो सुनो फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिक्रीजिंग भी है, इनवर्स भी लेना है, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन 1 1 1 2 होगा। अगर डिक्रीजिंग है तो मिनिमम पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम पे मिनिमम, रिवर्स लेना है तो आप लिख सकते हो ना एफ ऑफ माइनस अल्फा पे 2 लेना है और एफ ऑफ बीटा पे -4 लेना है, एक कंडीशन तो लेंगे, ये आपको पता होगा शायद, इतना आना भी चाहिए। एफ ऑफ माइनस अल्फा 2 होगा और एफ ऑफ बीटा कितना होगा बोलो, एक काम तो एक। फंक्शन कॉन्स्टेंट ले नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन लोगे तो हमेशा वैल्यू सेम होगी और वो भी 0 पे 0 है, तो बाकी सारे पॉइंट पे भी क्या होगी, 0 तो गलत हो जाएगा। ठीक है चलो, अब एक बार अपन रफली एफ एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जरा ये लो, ये माइनस अल्फा, ये 0 और ये बीटा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा पे वैल्यू 2 इधर ले लेते हैं, फिर इधर 0 है, इधर नेगेटिव है, तो ये रफली डायग्राम है, अपन को ज्यादा एग्जैक्ट से मतलब भी नहीं है, कॉनकेविटी कुछ भी नो प्रॉब्लम। ये एरिया अलग से गिवन है, ये एरिया अलग से गिवन है एफ एक्स का, तो क्या लिखोगे, माइनस अल्फा से 0 एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है वो कितना है 1। देखो माइनस अल्फा से 0 में फंक्शन पॉजिटिव है तो मोड लगाओगे तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो आंसर 1 आ गया। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, 0 से बीटा एफ एक्स डी एक्स को स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं 3, बट ये रॉन्ग है क्योंकि मोड लगाना है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 से बीटा में फंक्शन नेगेटिव है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो एरिया में पॉजिटिव लाना है तो 3 की जगह क्या लिखना -3, पहला काम तो ये ध्यान रखें। अब इसके बाद अब क्या करना है, अब इनवर्स लोगे तो एक बार बताओ किसी फंक्शन का इनवर्स लोगे तो उल्टा हो जाएगा डायग्राम। इनवर्स का मतलब ये पॉइंट है अपना -α, 2, तो इनवर्स लेने पर पॉइंट क्या बन जाएगा 2, -α, और ये अगर पॉइंट है कितना -4, तो इसका इनवर्स लोगे तो क्या बन जाएगा पॉइंट -4, β। अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, जब इसकी y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इमेज लोगे तो ये पोर्शन इधर और ये उधर बन जाएगा, तो बना देते हैं। देखो तो कैसे किया गया, इधर तो क्या जाएगा बोलो -4, क्योंकि सिंपल सी बात है इसकी इमेज लोगे तो इधर चली जाएगी -4, β, ये -4 है बीटा इधर होगा, कॉनकेविटी चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, और इधर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 2, -α, तो ये पॉइंट तो आ गया -4 से β, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, और ये आ गया 2 से -α, ये ग्राफिक डायग्राम है एफ इनवर्स एक्स का। अब अपन को बताना है बाउंडेड बाय दिस एरिया, उसको अल्फा बीटा की टर्म में लिख देंगे और क्या, और बाद में पी क्यू आर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको चलो साइड में कर देते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी इधर लिख देते हैं, या इधर ही देख लो, रिक्वायर्ड एरिया आ गया आई इक्वल टू या ए इक्वल टू -4 से 0 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ इनवर्स डी एक्स। बट आपको पता है कि 0 से 2 में एफ इनवर्स एक्स का एरिया, ये डेफिनेट इक्वेशन है, मोड लगाओगे तो मोड माइनस के साथ ओपन होगा, तो पहले लगा दो माइनस ही लो। अब इस इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो अपन क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करना है इनवर्स का तो अपन एक्स को लेट करते हैं एफ ऑफ टी, तो चलो इसमें पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक्स को क्या मान लिया बोलो एफ ऑफ टी, एक्स को एफ ऑफ टी लेने के बाद अब ध्यान दो क्या करना है, ये अपन को पता है एफ ऑफ माइनस 2 ये वैल्यू माइनस अल्फा से 0 में एफ एक्स डी एक्स 1 मानना है और 0 से बीटा में ये -3 मानना है, इसको हटा देते हैं। जब एक्स को एफ ऑफ टी लोगे तो डी एक्स आ जाएगा भाई एफ डैश टी डी टी, तो डी एक्स को तो लिखना है एफ डैश टी डी टी, और एक्स को जब एफ ऑफ टी लोगे तो टी आ जाएगा, टी आ गया टी एफ डैश टी डी टी। ध्यान दो रिक्वायर्ड एरिया आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी एफ डैश टी डी टी, अगला भी सेम होगा -t f'dt, बस मेनली लिमिट की बात करनी है, तो ध्यान दो
जब आप x को माइनस फोर लोगे तो इससे क्या आ गया, माइनस फोर इक्वल टू आ गया एफ ऑफ टी, तो t आ गया f इनवर्स माइनस फोर, क्या जाएगा बोलो, f इनवर्स माइनस फोर। आप ध्यान दें f ऑफ माइनस अल्फा कितना है अपना 2, और f ऑफ बीटा कितना है बोलो माइनस फोर। तो इधर सुनो, जब आप इसको माइनस फोर लोगे तो t आ गया f इनवर्स माइनस फोर, तो f इनवर्स माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी इससे बीटा, अरे बीटा क्या लिखोगे, f इनवर्स माइनस फोर, रिवर्स कर दो उसको और क्या, तो f इनवर्स माइनस फोर तो क्या जाएगा बोलो बीटा। जीरो पे f ऑफ t जीरो, तो t आ गया f इनवर्स जीरो, तो सीधी बात है f ऑफ जीरो जीरो है तो f इनवर्स जीरो भी जीरो होगा, तो ये तो जीरो ही जाएगा। और इसमें क्या होगा, जीरो पे जीरो, टू पे एफ टी इक्वल टू, तो टी आ गया एफ इनवर्स टू, तो देखो एफ इनवर्स टू की वैल्यू क्या होगी माइनस के अल्फा, ये लो ये जाएगा माइनस के अल्फा। आप लिख सकते हो एफ ऑफ माइनस अल्फा कितना है टू है, तो एफ इनवर्स टू आ जाएगा माइनस के अल्फा। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो ए इक्वल टू क्या आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड से करना है, इसको फर्स्ट लेट करो उसको सेकंड, तो टी एज इट इज एफ डैश टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, लिमिट लगाओगे बीटा से जीरो, माइनस इंटीग्रेशन बीटा से जीरो एफ टी डी टी, क्योंकि टी का वन हो जाएगा, इसका करोगे तो पहले तो माइनस ही आएगा, माइनस ब्रैकेट में टी एफ ऑफ टी जीरो से माइनस अल्फा, फिर माइनस है तो आगे माइनस है प्लस लगा दोगे, ये जाएगा जीरो से माइनस अल्फा एफ ऑफ टी ऑफ डी टी। अब इन सब की वैल्यू रिप्लेस कर देते, तो इसको हटा देते बस, ठीक है, तो सुनो इसमें जब टी को जीरो रखोगे तो जीरो आ गया और बीटा पे जाएगा माइनस बीटा एफ ऑफ बीटा, रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ध्यान दे माइनस बीटा एफ ऑफ बीटा, तो एफ ऑफ बीटा माइनस फोर है तो ये बन जाएगा भाई फोर ए, चलो लिख दे बाद में। इधर सुनो बीटा से जीरो में ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, जीरो से बीटा में जो एरिया लिखा था अपन ने वो लिखा था जीरो से बीटा में एफ एक्स डी एक्स का एरिया थ्री नहीं था भाई, माइनस के थ्री था, ध्यान देना क्योंकि मोड हटाया था। तो इसमें सुनो बीटा से जीरो में भाई जीरो से बीटा में एरिया माइनस थ्री है, तो बीटा से जीरो में थ्री, तो ये वैल्यू लिखनी है अपन को थ्री, तो ये बन जाएगा माइनस के थ्री, प्लस मत कर देना जल्दीबाजी में। आफ्टर दैट माइनस अल्फा लोगे तो क्या जाएगा माइनस, माइनस अल्फा लेने पे माइनस माइनस प्लस, ये आ गया अल्फा एफ ऑफ माइनस अल्फा, और जीरो पे जीरो बन जाएगा टाइम, प्लस जीरो से माइनस अल्फा एफ टी डी टी, तो ये पढ़ा था एरिया इंक्लूड बाय माइनस अल्फा से जीरो में, माइनस अल्फा से जीरो में जो एरिया था वो कितना था वन, तो भाई जीरो से अल्फा में रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव, तो ये जाएगा भाई माइनस के वन। तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड एरिया आ गया, अपना ध्यान दो एफ ऑफ बीटा की वैल्यू माइनस फोर है तो ये बन जाएगा प्लस के फोर बीटा, एफ ऑफ माइनस अल्फा कितना है बोलो टू, तो ये बन गया प्लस के टू अल्फा माइनस के फोर। तो देखो कंपेयर करोगे तो पी कितना है माइनस के फोर, क्यू का मतलब बीटा का कोफिशियंट फोर, आर का मतलब टू, तो इन तीनों का सम करने पे माइनस फोर से फोर चला गया, तो देन पी प्लस क्यू प्लस आर का सम क्या होगा बोलो टू, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी इतना टफ था भी नहीं क्वेश्चन। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर एट, हाँ क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला गया, ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को साइमल्टेनियसली यूज किया गया है। देखो लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस थ्री आई एंड ए ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन है फोर आई, देन दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस पार्ट, इसके आगे डी टी लगा रखा होगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको बताना डिटरमिनेंट ऑफ 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट सोचना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, कुछ दे नहीं रखा फिर भी इसका डिटरमिनेंट पूछा, तो भाई सिंपल सी थीम है, इसको सिंगल मैट्रिक्स में लेके आओगे तो ये बात कर सकते हैं। एक बात को सोचो, ना तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है ना डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू, केवल डिटरमिनेंट ऑफ आई पता है आपको,
तो एक ऑप्शन तो क्या है कि आप इस कंप्लीट पार्ट को आई की फॉर्मेट में लाने की ट्राई करें। हाँ, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को फिर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट लेने पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 4i का डिटरमिनेंट, तो आप कंप्लीटली ए में भी ला सकते हो। तो देखो कैसे किया गया क्वेश्चन, समझो ये जो स्टेप है ना, एक बार इसका लेना है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए टी का ट्रांसपोज ए जाएगा, बी टी का ट्रांसपोज बी, और 3i का ट्रांसपोज 3 जाएगा। इतना करने के बाद एक काम करो, ये 2 कॉमन लोगे तो ए टी प्लस बी टी की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस 3i, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस 3i इक्वल टू आ गया ए प्लस बी प्लस 3i। तो देखो कितना आ गया, 2a a प्लस बी, 4a प्लस बी, और a प्लस बी कैंसिल करो तो क्या गया, थ्राइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू आ गया माइनस 6a, उधर जाके प्लस के 9a आ गया, 9i सॉरी। तो अल्टीमेटली जो मैट्रिक्स है a और b, इसका सम कितना आ गया बोलो, 3i। सारा क्वेश्चन इसी स्टेप का खेल था, इसमें a प्लस i 3i आएगा। इसका बेनिफिट क्या, देखो अपन एक काम करते हैं, इसमें b at आ रहा है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, पहली बात तो सुनो, क्वेश्चन में ए इनवर्स की बात की, तो इसका अपन इनवर्स ले सकते हैं ना, तो इसको एक काम करो ए इनवर्स से कर दो मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स ए तो आई हो गया, हटाओ तो इससे आ गया ए टी इक्वल टू 4 ए इनवर्स। अल्टीमेटली 4 ए इनवर्स ए टी है, तो 12 इनवर्स क्या जाएगा, 3 ए टी, इसको ले सकते हैं थ्राइस ऑफ ए टी, थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अब एक काम करें, इसको भी अपन बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू के लिए इसको ए के साथ, ए ट्रांसपोज के साथ कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ए बी ट्रांसपोज प्लस सॉरी ए ट्रांसपोज के साथ, ए ए ट्रांसपोज बी ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया 3i। यस सर, इतना आने के बाद ए ए ट्रांसपोज 4i गिवन है, तो सिंपल एक काम करो, बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दो उसमें, 3i माइनस ए ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू पुट करोगे 3i माइनस ए ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस आई। बट आपको करना क्या है इसमें से, या फिर एक काम ये कर देते हैं, आपको बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू को रिप्लेस करना है, बी ए ट्रांसपोज, तो बी ए ट्रांसपोज के लिए इसको सॉरी गलत कर दिया, क्योंकि एक सेकंड आपको b a ट्रांसपोज चाहिए, तो a के साथ ट्रांसपोज होगी तो क्या आएगा, a ऑफ, चलो लिख ही देते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ऑफ a ट्रांसपोज, तो इधर आ गया थ्राइस ऑफ a t। यस सर, तो a a ट्रांसपोज कितना है 4i, तो b a ट्रांसपोज आ गया इससे 3 a ट्रांसपोज माइनस 4i, इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस करना है, तो दिस वैल्यू को रिप्लेस करने पे क्या आ गया, लिखो 3 a ट्रांसपोज माइनस 4i प्लस आई का डिटरमिनेंट। तो देखो इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4i और i क्या आ गया 5i का ट्रांसपोज। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 5 बाहर आके i की वैल्यू 1, तो 5/5 n 5 आ गया तो 1 आंसर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये पढ़ा होगा आपने के a का डिटरमिनेंट क्या होता है, k की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो कितना जाएगा 5 की पावर k, के n का मतलब ऑर्डर कितना है इसका 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ i, ये तो 1 हो गया, तो 5 की पावर 3 125 अपॉन 5, तो देन इसका 25 आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डायग्राम दे रखा, बाकी इतना टफ है नहीं क्वेश्चन, समझो उसको। आपको क्वेश्चन में फंक्शन y इक्वल टू fx का डायग्राम गिवन है, और जी एक्स इक्वल टू गिवन है एफ ऑफ मोड एक्स का होल मोड, तो बाद में बोला गया देन दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ दिस पार्ट के बिलोंग्स टू आर जी ऑफ जी एक्स। तो पहले तो सुनो, जी एक्स का डायग्राम कौन है, एफ ऑफ मोड एक्स का होल मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, पहले एफ ऑफ मोड एक्स का डायग्राम और उसका दोबारा मोड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एफ एक्स का डायग्राम गिवन है और एफ ऑफ मोड एक्स का चाहिए, तो अपन क्या करते हैं,
जैसे लेट ऐसे समझो, ये कोई भी एक एफ एक्स का डायग्राम है, तो एफ ऑफ मोड एक्स में क्या होगा? देखो इसमें तो एक्स को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, बट मोड एक्स में क्या होगा? नेगेटिव भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये एक इवन फंक्शन है। तो क्या करते हैं, इस नेगेटिव पोर्शन को हटा के केवल उसके पॉजिटिव पोर्शन की ले लेते हैं अपन इमेज, इमेज का मतलब ये उधर भी चला जाएगा, तो ये इधर चला गया तो ये बन गया एफ ऑफ मोड एक्स, और दोबारा जब मोड लोगे तो नेगेटिव पार्ट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये इसकी थीम है। तो देखो कैसे करना है, जो क्वेश्चन है वो जीरो से फाइव में डिफाइन है, ध्यान दें, जीरो पे वन लेना है, वन पे टू लेना है, टू पे जीरो, थ्री पे टू माइनस टू लेना है, थ्री पे जीरो लेना है, फोर पे जीरो लेना है, और फाइव पे भी जीरो लेना है, वन को इंक्लूड नहीं किया गया, ओपन हॉल एस पे, ठीक है। अब आपको सोचो जो एफ एक्स का डायग्राम है वो जीरो से फाइव में ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो जो एफ ऑफ मोड एक्स लगाओगे तो इसी का रिफ्लेक्शन उधर आ जाएगा, और रिफ्लेक्शन आने के बाद जब मोड लोगे तो नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार अपन इसके डायग्राम को एग्जैक्टली ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो एग्जैक्ट डायग्राम कैसा बनेगा, सीधा एक बार में सुन लो, पहले जीरो से बन जाओगे आप, फिर नीचे आओगे, फिर इसका मोड लोगे तो ध्यान दे ये माइनस टू का मोड प्लस टू बन जाएगा, तो डायग्राम इधर आएगा भाई टू पे, फिर ये यूं आ गया, मतलब ये टू है, ये फोर है, ये थ्री है, और ये पॉइंट कितना है, थ्री कोमा माइनस टू, इसको इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान दें, थ्री पे अपन को ये पॉइंट लेना है जीरो, ये ऐसे कर देते हैं, ये नीला नीला है, इसको भी लेना है, और ये बनाया हुए तो आप इसको वन पे जाना है, वन का मतलब इतना, और इसको ब्लैंक और रखा गया, मतलब फाइव पे जीरो लेना है, ठीक है। ये टू की लाइन है, ठीक है, और ये वन की लाइन है, सेम डायग्राम आपका इधर होगा, तो जितने आंसर इधर होंगे ना उतने इधर होंगे, तो उसको ड्रॉ करना है सिमेट्रिक डायग्राम। अब देखो क्या करना है, एक बार सुनो, सिग्नम के अंदर कोई भी पार्ट हो, अगर सिग्नम के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो सिग्नम पॉजिटिव की वैल्यू वन होती है, अंदर वाला पार्ट जीरो है तो सिग्नम की वैल्यू जीरो, और नेगेटिव तो माइनस वन। अल्टीमेटली आपको देखना है कि जो अंदर वाला क्वार्टिक है इसकी रेंज क्या होगी, तो आप एक काम करना, ये अपवर्ड क्वार्टिक है तो अपवर्ड क्वार्टिक की रेंज क्या होती है, माइनस के डी बाय फोर है, अपवर्ड क्वार्टिक की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, माइनस के डी अपॉन फोर है। तो जब आप इसकी रेंज लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस के डी, डी का मतलब बी स्क्वायर, ये आ जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसे अपॉन में फोर एज वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने पे आने वाला है, चलो अब टाइम वेस्ट होगा, चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस के थ्री के स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, ये आ जाएगा थ्री के स्क्वायर, उसके बाद प्लस टू के तो माइनस के टू के बन जाएगा, प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री थे लेकिन प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसकी कौन सी वैल्यू बोलो, मिनिमम। अब ध्यान दो ये के में क्वार्टिक है तो इसको होल स्क्वायर बनाओगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कितना आएगा ध्यान दो, इसमें से थ्री कॉमन ले लो आप तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k by 3 plus 1, फिर क्या करते हैं k के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करो सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3 by 4 नीचे तो आ गया, ये आ गया k minus 1 by 3 का होल स्क्वायर plus 8 by 9, क्या आ गया बोलो, k minus 1 by 3 का होल स्क्वायर plus 8 by 9, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होगा, तो देखो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो लोगे तो ये देखो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अल्टीमेटली दिस पार्ट की रेंज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब फाइनली होगा क्या, इस क्वार्टिक की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू तो उसका सिग्नम क्या जाएगा बोलो वन, मतलब फाइनली आ गया जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू वन। अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन किया गया, ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू वन, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो एक काम ऐसे करते हैं अपन, इस जी एक्स को अल्फा लेट करते हैं, इसे एक इजी वे में समझ लेंगे, मैंने लेट किया कि लेट जी एक्स इक्वल टू अल्फा, तो आपका क्वेश्चन आ गया जी ऑफ अल्फा इक्वल टू वन, तो एक बात हो अल्फा की क्या वैल्यू लगी, जी वन आना चाहिए, देखो जी एक्स का आउटपुट वन कब आ सकता है, इस जगह, तो जी एक्स का आउटपुट वन एक तो जीरो पे है, एक इस पॉइंट पे होगा, एक इस पे और एक इस पे, ये लेना नहीं है, मतलब एक तो जीरो पे आ गया,
इसको नाम ले लेते हैं लेट एक्स वन, इसको लेट कर लेते हैं लेट एक्स टू, इसको लेट कर लेते हैं लेट एक्स थ्री, मतलब फाइनली जी ऑफ अल्फा जीरो। तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक तो अल्फा जीरो आ गया, एक अल्फा आ गया एक्स वन, और ये एक्स वन की वैल्यू ध्यान देना वन से टू है, मतलब एक अल्फा जाएगा वन से टू। नेक्स्ट अल्फा प्रेजेंट होगा एक्स टू टू से थ्री, और एक फोर्थ अल्फा प्रेजेंट होगा बच्चों थ्री से फोर, ये लिखना मस्ट है इसमें। ये ऐसे वैल्यूज मिली, अल्टीमेटली ये आ गया। अब देखो जी ऑफ अल्फा वन, तो अल्फा ये चार वैल्यू। अब एक काम करें, अल्फा की वैल्यू वन बाई वन लो, अल्फा को जीरो लेने पे आ गया जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जी एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, एक तो जो अपना डायग्राम है वो इधर जीरो है, एक इस पॉइंट पे जीरो है, एक इस पे जीरो और एक इस पे, तो चार सोल्यूशन है। जी एक्स आपका फोर पॉइंट्स पे क्या बोलो जीरो, जी एक्स की मैक्सिमम रेंज टू है, तो एक बार बताओ जी ऑफ अल्फा, जी ऑफ एक्स अल्फा है, तो अल्फा टू से थ्री ले सकते हैं क्या, नहीं और ना फोर, तो ये दो केस तो वैसे गलत है। तो अगला आ गया जी एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब जी एक्स बिलोंग्स टू आ गया वन से टू। नेक्स्ट आ गया जी एक्स की वैल्यू वन से टू, तो ये बताओ x की वैल्यू क्या लें कि जी एक्स वन से टू आना चाहिए, तो आप देख लो जी एक्स की वैल्यू वन से टू कब कब आ सकती है, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो अभी भी कितने पॉइंट अचीव होंगे, चार। फोर पॉइंट्स पे जब x की चार वैल्यू लोगे ये, इन पे जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स की आउटपुट होगी वन से टू, तो कितनी वैल्यू मिली बोलो फोर, तो कितना आ गया फोर और फोर एट, और आप खुद सोचो ये डायग्राम इधर भी बनेगा एज इट इज, तो इतने ही सोल्यूशन लेफ्ट में भी होंगे, तो देन इसका आंसर फिल करना आपको 60। ठीक है चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा थैंक यू, उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।